खुफिया जगह का पता चल गया है और कचरा साफ करना है। जिंदा है। बूम। पठान के सीक्वल का बजट पठान से क्यों ज्यादा रखा जा रहा है? सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम स्टारर पठान का बजट करीब 250 करोड़ रुपए था। शाहरुख खान के पठान के सीक्वल फिल्म को लेकर आए दिन कुछ ना कुछ अपडेट आ रहा है, कभी इसकी शूटिंग अपडेट्स को लेकर तो कभी इसकी कहानी को लेकर। अब स्पाई यूनिवर्स की इस फिल्म के बजट पर खबरें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि पठान के सीक्वल फिल्म का बजट पहली वाली पठान से करीब 75 करोड़ रुपए ज्यादा होगा। बीते दिनों खबरें आई हैं कि पठान का सीक्वल इस साल के अंत तक फ्लोर पर आ जाएगी। कहा गया है कि आदित्य चोपड़ा इस बार कुछ ज्यादा ही अमेजिंग बनाने जा रहे हैं, इसलिए वो फिल्म की स्क्रिप्टिंग और इसके VFX में खुद इन्वॉल्व हो रहे हैं। जहां तक बजट की बात है तो सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनी है दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम स्टारर पठान का बजट करीब 250 करोड़ रुपए था। अब पठान के सीक्वल पर यशराज फिल्म्स करीब 325 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। 75 करोड़ रुपए यशराज फिल्म्स पठान के सीक्वल के डायरेक्शन, VFX और टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर खर्च करेगी। मेकर्स चाहते हैं कि इस बार एक्शन सीक्वेंस को किसी स्टूडियो नहीं बल्कि रियल लोकेशन पर शूट किया जाए, जिसकी वजह से भी फिल्म का बजट काफी ज्यादा बढ़ा है। हालांकि अभी तक पठान के सीक्वल को लेकर कुछ भी आधिकारिक तौर पर अनाउंस नहीं हुआ है। आदित्य चोपड़ा अपने स्पाई यूनिवर्स में एक ट्विस्ट लाना चाहते हैं। वो ये कह रहे हैं कि टाइगर वर्सेस पठान से पहले पठान 2 रिलीज होगी। इसी फिल्म में टाइगर और पठान के क्लैश की जमीन तैयार होगी। ये स्पाई यूनिवर्स की 8वीं फिल्म होगी। पिछले साल से ही आदित्य चोपड़ा और उनकी टीम ने पठान के सीक्वल की लिखाई पर काम शुरू कर दिया था। इससे यशराज फिल्म्स स्पाई यूनिवर्स की टाइमलाइन का अगला फेज शुरू होगा। टाइगर और पठान की जंग की शुरुआत भी इस फिल्म से ही होगी। स्पाई यूनिवर्स की फीमेल लीड फिल्म में आलिया भट्ट का वो पठान की स्टूडेंट के रूप में दिखाया जाएगा। इस फिल्म में शाहरुख के पठान किरदार का कैमियो भी होगा। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इस साल के अंत तक आलिया वाली ये फिल्म भी फ्लोर पर आ जाएगी। हालांकि एक समय में इतने बड़े बजट की 2 फिल्में शूट करना कैसे संभव होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। बीते दिनों शाहरुख खान की मूवी पठान 2 को लेकर अपडेट आया। बताया गया कि स्पाई यूनिवर्स की ये मूवी साल के अंत तक फ्लोर पर आ जाएगी। जब से ये अपडेट आया तब ही से शाहरुख के लुक और मूवी की स्टोरी को लेकर तमाम तरह की थ्योरीज चलने लगी। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक फोटो भी वायरल हो रही है जिसे पठान 2 का पोस्टर कहा जा रहा है। इस पोस्टर में एक आदमी दिखाई दे रहा है जिसने गन वेस्ट पहन रखी है, गन वेस्ट जिसके दोनों तरफ बंदूकें रखी जाती है। बैकग्राउंड में बुर्ज खलीफा और कई सारे हेलीकॉप्टर भी दिख रहे हैं। टैंक भी दिखाई दे रहा है। फोटो में एक तरफ यशराज फिल्म्स का लोगो है, दूसरी तरफ स्पाई यूनिवर्स का। खास बात यह है कि इस पोस्टर में पिक्चर के रिलीज डेट भी लिखी है जिसके मुताबिक पठान 2 23 जनवरी 2026 को रिलीज हो जाएगी। हालांकि ये पोस्टर ऑफिशियल नहीं है, ये एक फैन मेड पोस्टर है। यशराज फिल्म्स की तरफ से अभी तक पठान 2 को लेकर कोई भी अपडेट नहीं आया है। आदित्य चोपड़ा ने ना तो मूवी के प्लॉट को लेकर कोई जानकारी दी है ना ही इसके रिलीज डेट को लेकर। YRF की तरफ से पठान 2 को लेकर कोई प्रमोशनल मटेरियल भी शेयर नहीं किया गया है। ये पोस्टर बस शाहरुख खान के फैंस ने शेयर किया। बीते दिनों खबरें देखी आदित्य चोपड़ा अपने स्पाई यूनिवर्स में ट्विस्ट लाना चाहते। वो ये है कि टाइगर वर्सेस पठान से पहले पठान 2 रिलीज होगी। इसी मूवी में टाइगर और पठान की क्लैश की जमीन तैयार होगी। ये स्पाई यूनिवर्स की 8वीं मूवी होगी। ये YRF के स्पाई यूनिवर्स की टाइमलाइन में ट्विस्ट है। टाइगर वर्सेस पठान से पहले पठान 2 बनेगी और टाइगर और पठान के क्लैश का सेटअप तैयार करेगी। बतौर पठान शाहरुख खान के किरदार ने दर्शकों का दिल जीता है। फैंस की डिमांड है कि वो स्पाई वाले रोल में शाहरुख खान को आगे देखें। जनवरी 2023 में पठान के रिलीज के तुरंत बाद आदित्य चोपड़ा और शाहरुख ने स्पाई यूनिवर्स के अंदर पठान को भी एक स्टैंड अलोन फ्रेंचाइज के तौर पर विकसित करने का फैसला लिया था। तभी से उन्होंने इसके सीक्वल के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया। बाबू तो आप कितने एक्साइटेड हो पठान 2 को लेकर? हम फिर मिलेंगे। बाय बाय। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 8828855088.
और देश के दुश्मनों के बीच। पठान 2 में ऐसा क्या है जो अभी से हंगामा मचा हुआ है? मैं आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड के फिल्मी गलियारे में। डंकी के बाद से शाहरुख खान की अगली फिल्म का इंतजार हो रहा था। अब पता चला है कि वो फिल्म पठान 2 होगी। खबरें थी कि आदित्य चोपड़ा अपने स्पाई यूनिवर्स में एक ट्विस्ट लाना चाहते हैं। वो ये है कि टाइगर वर्सेज पठान से पहले पठान 2 रिलीज होगी। इसी फिल्म में टाइगर और पठान के क्लैश की जमीन तैयार होगी। ये स्पाई यूनिवर्स की 8वीं फिल्म होगी। पिंक बिला ने अपनी एक रिपोर्ट में सोर्स के हवाले से छापा, ये YRF के स्पाई यूनिवर्स की टाइमलाइन में ट्विस्ट है। टाइगर वर्सेज पठान से पहले पठान 2 बनेगी और टाइगर और पठान के क्लैश का सेटअप तैयार करेगी। बतौर पठान शाहरुख के किरदार ने दर्शकों का दिल जीता है। फैंस की डिमांड है कि वो स्पाई वाले रोल में शाहरुख को आगे भी देखें। जनवरी 2023 में पठान की रिलीज के तुरंत बाद आदित्य चोपड़ा और शाहरुख ने स्पाई यूनिवर्स के अंदर पठान को भी एक स्टैंड अलोन फ्रेंचाइज के तौर पर विकसित करने का फैसला किया था। तभी से उन्होंने इसके सिक्वल के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। पिछले साल से ही आदित्य चोपड़ा और उनकी टीम ने पठान 2 की लिखाई पर काम शुरू कर दिया था। इससे YRF स्पाई यूनिवर्स की टाइमलाइन का अगला फेज शुरू होगा। टाइगर और पठान की जंग की शुरुआत भी इसी फिल्म से होगी। रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि आदित्य चोपड़ा और शाहरुख खान ने इसी साल दिसंबर से पठान 2 की शूटिंग शुरू करने की तैयारी की है। ये स्पाई यूनिवर्स की 8वीं फिल्म होगी। अब तक इस यूनिवर्स में 5 फिल्में बन चुकी हैं। 6ठी फिल्म होगी वार 2। आलिया भट्ट और सरवरी बाग को लेकर एक फीमेल स्पाई फिल्म बन रही है जो कि इस फ्रेंचाइज की 7वीं फिल्म होगी। इसे पठान 2 से पहले रिलीज किया जाएगा। 4 साल के ब्रेक के बाद पठान से शाहरुख खान ने जबरदस्त वापसी की थी। इस फिल्म ने देश भर से 540 करोड़ रुपए कमाए थे। वहीं फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1000 करोड़ रुपए के पार था। इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ दीपिका पादुकोण, जॉन अब्राहम, डिंपल कवाड़िया और आशुतोष राणा जैसे एक्टर ने काम किया था। सलमान खान ने फिल्म में कैमियो किया था। हालांकि अभी एक सवाल है जिसका जवाब मिलना बाकी है। क्या पठान 2 डंकी के बाद शाहरुख की अगली फिल्म होगी या वो पठान 2 से पहले किसी और फिल्म में काम करेंगे? आज के लिए बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए पठान 2 बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ का बिजनेस कर सकती है। जिंदा है। बूम। यशराज फिल्म यानी कि आदित्य चोपड़ा के लिए साल 2023 तो छप्पर पार ईयर रहा, क्योंकि इस साल में YRF स्पाई यूनिवर्स की फिल्म पठान रिलीज हुई और प्रोड्यूसर से लेकर एक्टर्स तक सब मालामाल हो गए। ऐसे में अब फिल्म का सीक्वल तो आएगा ही, तो अपनी कुर्सी की पेटियां ना बांध लीजिए। पर इस बार ना कुछ बदलाव चाहिए, जैसे दीपिका पादुकोण की वो ऑरेंज बिकनी जिसकी वजह से बेवजह कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी, यानी कि वो कहा गया था ना कि भगवा का अपमान हुआ है, वो इस बार नहीं होना चाहिए। खैर ये मैंने मजाक किया, पर ISI और रॉ वाले प्लॉट को ना यहाँ पर खिसा ना जाए। एक तो रॉ और ISI का साथ में होना, मतलब कि रॉ एजेंट शाहरुख और ISI एजेंट दीपिका के साथ में दिखाई देना, ये काफी पनी और लॉजिकल है, जिस पर रियल रॉ एजेंट्स हंसेंगे, पर फिल्म है तो सब कुछ चलता है। पर अब पाकिस्तान पर फोकस करने की बजाय बाकी कंट्रीज पर फोकस करके प्लॉट एक्सप्लोर किया जाए जो न्यू डायमेंशंस ऐड कर सकता है, क्योंकि पठान दुनिया भर के एजेंट्स के साथ जुड़कर ज्वाइंट ऑपरेशंस एंड कोवर्ट रिसर्च यानी कि JOCR नाम के एक यूनिट को लेकर बहुत कुछ कर सकता है। सेकेंड इज VFX। पठान के VFX जवान से भी बेहतर थे। YRF स्पाई यूनिवर्स की अब तक की फिल्मों में टाइगर जिंदा है के बाद पठान के VFX ही बेस्ट थे, पर कुछ सीन्स जैसे कि पठान का ट्रेलर भी अगर देखे ना तो उसकी क्वालिटी काफी खराब थी। ट्रेलर में एक फैंसी जेट पैक के साथ पठान उड़ने की कोशिश करता है जिसमें शाहरुख ब्लर दिखाई देते हैं, जिस पर लोगों ने ट्रोल किया। साहू और रेस 3 के VFX भी अच्छे थे, ऐसा भी रिएक्शन आया। अब पठान 2 के VFX पर YRF के साथ साथ इस बार कोई हॉलीवुड टीम भी जुड़ सकती है और शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट भी जुड़ सकती है, पर रेड चिलीज को ना इसका क्रेडिट नहीं दिया जाएगा, पर शायद इसकी हेल्प वो ले सकते हैं जिसके लिए इसका बजट अब 300 करोड़ भी हो सकता है, जबकि पठान का बजट 250 करोड़ रुपए था। वैसे शाहरुख खान को आदित्य ने एक एक्शन हीरो के तौर पर प्रेजेंट किया और पहले ही अटेम्प्ट में शाहरुख खान को ना डिस्टिंक्शन मिल गया, पर पठान का कई कई जगहों पर जिम यानी कि फिल्म के बलन से पिटना
अच्छा नहीं दिखा, जैसे कि दुबई या फिर स्पेन के कुछ एक्शन सीक्वेंसेस थे जहां पठान और जिम के बीच में पठान काफी वीक नजर आया, बार बार खुद पिट कर, तब सिक्स पैक्स एब्स का कमाल फीका लगा। तो इस बार ऐसा ना हो, ये हमारी मतलब एक्सपेक्टेशन है फिल्म से। नेक्स्ट इज कैरेक्टर सीरियसनेस। पठान सोने का दिलवाला और एक रोमांटिक हीरो है जो कई जगहों पर पिघल सकता है और उसके पास सेंस ऑफ ह्यूमर भी है, पर जब उसकी फाइट विलन से होती है जो कि एक देशद्रोही है तब सीरियस सीन्स ना खराब होते हैं उसके अननेसेसरी ह्यूमर से, जैसे डॉक्टर नंदिनी यानी कि डिंपल कपाड़िया जिम को जिंदा मौत देने की बात करती है, पर तब भी पठान अपना ह्यूमर दिखाता है, ऐसा एसआरके फैंस का ही कहना है। लेट्स सी इसमें अब कौन कौन से चेंजेस किए जाते हैं और कौन से नहीं, तो आपका क्या कहना है इन सब पर हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और देश के दुश्मनों के बीच इंडिया में पहला यूनिवर्स बना कॉप यूनिवर्स, फिर वाईआरएफ के दिमाग की बत्ती जली और उसे लगा व्हाई नॉट स्पाई यूनिवर्स, और उसने इस बात को इतना ज्यादा सीरियसली ले लिया जितना कि सीबीएसई के स्टूडेंट अपने बोर्ड के पेपर्स को भी नहीं लेते हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये भी है कि क्या वाईआरएफ सभी स्पाई फिल्म की टाइमलाइन अच्छे से सेट कर पाएगा या फिर एक्साइटमेंट में गुड़गोबर कर देगा, व्हाट डू यू थिंक? चलिए डिस्कस करते हैं। वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की स्टार्टिंग हुई 2012 से एक था टाइगर से, फिर 2017 में टाइगर जिंदा है आई, 2019 में वॉर, 2023 में पठान और टाइगर 3, और इसके बाद आएगी पठान 2, उसके बाद वाईआरएफ की फर्स्ट फीमेल स्पाई फिल्म आएगी, लेकिन उससे पहले आएगी वॉर 2। फिलहाल अभी तक ये फाइनल है, जितनी स्पाई मूवीज अभी पाइपलाइन में है ना उसमें सबसे लास्ट में आएगी टाइगर वर्सेस पठान। कल फिलहाल फोकस करते हैं पठान 2 के ऊपर, जिससे अपडेट आई है कि आलिया भट्ट और शबरी वाघ की फीमेल स्पाई फिल्म की नींव पठान 2 में ही रख दी जाएगी। जी हाँ, फिल्म की तैयारी शुरू हो चुकी है। दूसरी ओर राइटर्स इसे शाहरुख खान की पठान से जोड़ने में जुटे हुए हैं। दोस्तों उनके पास कई सारे आइडियाज हैं, उनमें से जिस आइडिया के साथ मेकर्स आगे बढ़ना चाहते हैं उसमें आलिया भट्ट को पठान की स्टूडेंट के तौर पर दिखाया जाएगा ताकि फिल्म में शाहरुख खान का कैमियो रखा जा सके। वहीं पठान 2 में आलिया का कैमियो भी हो सकता है, ऐसी थ्योरी सामने आ रही है। लेकिन वाईआरएफ को एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा वाइल मेकिंग द मूवीज, कि कैरेक्टर्स को ना इतना डेवलप दिखाया जाए कि वो बनावटी बिल्कुल भी नहीं लगे, बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस दे, क्योंकि भाई रियल एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। क्योंकि गलती वाईआरएफ टाइगर 3 में इमरान हाशमी के विलन रोल से कर चुका है, ज्यादा कास्ट एक मूवी में भरकर सिंगल हीरो मूवी का एसेंस बिल्कुल खराब हो जाता है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो बेहतर होगा, बस इतना कहना कि कैमियोस को ना कैमियो की तरह ही रखा जाए, क्योंकि आलिया भट्ट और शबरी वाघ की स्पाई फिल्म को शाहरुख खान की पठान से जोड़ा जा रहा है। प्लान ये है कि आलिया भट्ट और शबरी वाघ के कैरेक्टर्स को पठान के स्टूडेंट आई किरदार दिए जाएंगे, यानी कि पठान ने उन्हें इस जॉब के लिए ट्रेन किया है। आदित्य चोपड़ा अपनी पहली फीमेल स्पाई फिल्म में किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं रखना चाहते हैं, इसमें हिट लाने की हर संभव कोशिश हो रही है। इसके लिए फिल्म में शाहरुख खान का कैमियो जोड़ा जाएगा, ऐसे में सारी लाइमलाइट एसआरके ही ले जाएंगे, तो फिर उनकी कैमियो को टाइम बाउंड करना जरूरी हो गया है यहाँ पर, क्योंकि स्क्रीन टाइम का इश्यू बड़े बड़े स्टार्स को ना बागी बना देता है। वैसे ये चौथी फिल्म होगी जिसमें शाहरुख खान और आलिया भट्ट साथ नजर आएंगे, इससे पहले ये दोनों डियर जिंदगी, जीरो और ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्मों में साथ दिखाई दे चुके हैं। हालांकि ब्रह्मास्त्र में आलिया भट्ट और शाहरुख खान किसी भी सीन में साथ नजर नहीं आए थे। फिल्म का नाम अभी तक तय नहीं है, डायरेक्शन की जिम्मेदारी शिव रवेल को दी गई है जो इससे पहले यशराज की सीरीज द रेलवे मेन डायरेक्ट कर चुके हैं। शिव रवेल बेताब, द कैच, अर्जुन और अंजाम जैसी फिल्में बनाने वाले राहुल रवेल के बेटे हैं। आलिया और शबरी बाघ वाली फिल्म वॉर 2 के बाद और पठान 2 से पहले रिलीज होगी। टाइगर 3 की कमजोर कमाई के बाद आदित्य चोपड़ा सचेत हो गए हैं, उन्होंने अपनी सबसे एंटीसिपेटेड फिल्म टाइगर वर्सेस पठान को आगे खिसका दिया है। वो चाहते हैं कि सलमान खान और शाहरुख खान की भिड़ंत से पहले उसकी मजबूत जमीन तैयार की जाए, और इसी का नतीजा है पठान 2। इस फिल्म की शूटिंग इस साल दिसंबर से शुरू होनी है। पठान 2 में टाइगर और पठान के किरदारों के बीच रार खड़ी और इनकी फाइनल लड़ाई होगी टाइगर वर्सेस पठान में, जो कि 2027 में रिलीज हो सकती है। इसमें हमारी मुलाकात सभी कैरेक्टर कबीर, टाइगर, आलिया, शर्वरी, पठान और कुछ नए विलन से हो सकती है। तो कुछ स्टोरीज आपको पता हो तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।
एडवर्ड फिलिप हंसन एक अमेरिकन फेडरल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन FBI का एक एजेंट था जिसने 1979 से 2001 तक यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ सोवियत यूनियन और रशियन इंटेलिजेंस सर्विसेज के लिए जासूसी की थी। उनकी जांच 1987 में जब रॉबर्ट को फिर से वॉशिंगटन में वापस बुलाया गया और रॉबर्ट को उन्हीं तीन एजेंट्स का नाम देने वाले व्यक्ति को खोजने का टास्क सौंपा गया। इसका मतलब ये था कि उसे खुद को खोजने का टास्क मिला था। रॉबर्ट हैंसन ने खुद को रिवील किए बिना पूरा इन्वेस्टिगेशन किया, लेकिन इसके अलावा उसने 1988 में KGB के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन पाई जिसमें उन सभी सोवियत एजेंट्स की लिस्ट शामिल थी जिन्होंने FBI डबल एजेंट्स के बारे में FBI से कॉन्टैक्ट किया था। उसी साल रॉबर्ट ने एक सोवियत एजेंट को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन देकर सीरियस सिक्योरिटी का उल्लंघन किया। उसके लिए काम करने वाले एजेंट्स ने इस उल्लंघन की इन्फॉर्मेशन एक सुपरवाइजर को भी दी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। फेलिक्स इन्वेस्टिगेशन में फेल होने और इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में KGB को पता लगने से डबल एजेंट्स तो पकड़ने के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ। उसी साल रॉबर्ट ने सितंबर 1989 में सोवियत यूनियन को उस सुरंग के बारे में बताया और अगले महीने $55,000 की कैश पेमेंट उसके हाथों में आ गई। और ऐसा दो बार हुआ था जब रॉबर्ट ने सोवियत को अमेरिकन डबल एजेंट्स की पूरी लिस्ट दी थी। 1990 में रॉबर्ट के ब्रदर इन लॉ जो एक FBI एम्प्लॉय था, उसने FBI से सिफारिश की कि रॉबर्ट की जासूसी के लिए साथ ही FBI एजेंट के कंप्यूटर को हैक कर लिया और एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को प्रिंट किया और उस डॉक्यूमेंट को साथ ही FBI एजेंट के पास ले जाकर कहा सिस्टम इनसिक्योर था। रॉबर्ट के सीनियर ऑफिसर खुश नहीं थे और उन्होंने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। एंड में ऑफिसर्स ने उनके इस दावे पर विश्वास किया कि वो सिर्फ FBI के सिक्योरिटी सिस्टम के फ्लॉज को प्रेजेंट कर रहे थे। तो दोस्तों, हो सकता है कि शाहरुख खान की पठान फिल्म में हमें ऐसा ही कोई इम्पैक्टफुल कैरेक्टर देखने को मिल जाए। शिकारी बना स्पाई फ्रेडरिक फ्रिट्ज जॉबर डुक्सेन एक साउथ अफ्रीकन बोर और जर्मन सोल्जर एक बड़ा शिकारी जर्नलिस्ट और जासूस थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो जर्मनी के लिए एक स्पाई और रिंग लीडर बन गए और इस दौरान उसने साउथ अमेरिका के पीछे हुए बॉम्ब्स की ब्रिटिश मर्चेंट जहाजों में तोड़फोड़ की और कई को नष्ट कर दिया। फ्रेडरिक ने कभी कभी उस माल पर इंश्योरेंस खरीदी जिसे उसने उन जहाजों पर भेजा, फिर उसने तोड़ दिया था और फिर नुकसान के लिए क्लेम फाइल किया। उन्हें द मैन हु किल्ड किचर्स के रूप में जाना जाता है क्योंकि उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने HMS हैम्स्पायर को डुबाने के लिए गाइडेंस दिया था जिस पर लॉर्ड किचनर 1916 में रूस जा रहे थे। हालांकि जहाज के फॉरेंसिक्स इस दावे को सपोर्ट नहीं करते हैं। 1917 में न्यूयॉर्क में फेडरल एजेंट्स ने पकड़ लिया था उन्हें और उन पर हत्या और भागे हुए कैदी होने का आरोप लगाया गया। केवल इस बार जब ब्रिटेन ने वॉर टाइम अपराधों को आगे बढ़ाने से मना कर दिया तो फ्रेडरिक को छोड़ दिया गया। आखिरी बार उन्हें 1941 में पकड़ा गया था और जेल में डाल दिया गया था जब वो और ड्यूक्सेन स्पाइड रिंग के 32 और मेंबर्स को नाजी जर्मनी के लिए काम करने के आरोप में विलियम जी ने पकड़ा था। विलियम जी एक FBI डबल एजेंट था। फ्रेडरिक को बाद में यूनाइटेड स्टेट्स के इतिहास में सबसे बड़ी जासूसी की सजा में दोषी ठहराया गया था। वॉर के बीच में फ्रेडरिक ने अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट के बिग टाइम हंटिंग पर एक सलाहकार के रूप में, मूवी बिजनेस में एक पब्लिसिस्ट के रूप में, एक जर्नलिस्ट के रूप में, एक फिक्शनल ऑस्ट्रेलियन वॉर हीरो के रूप में और न्यूयॉर्क में न्यू फूड सोसाइटी के हेड के रूप में काम किया। बोर वॉर के वक्त उन्हें ब्रिटिश सेना में स्काउट्स के हेड फ्रेडरिक रसेल बर्नहैम को मारने का ऑर्डर दिया गया, लेकिन 1910 में उन्होंने बर्नहैम और रिप्रेजेंटेटिव्स रॉबर्ट दोनों के साथ मिलकर अमेरिकी कांग्रेस की जासूसी करने के लिए काम किया ताकि दरियाई घोड़े के इंपोर्ट के लिए इन्वेस्ट किया जा सके ताकि मीट की भारी कमी को हल किया जा सके। 64 साल के फ्रेडरिक इस बार भी नहीं बचे। फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के उल्लंघन करने के लिए उन्हें 2 साल की सजा और $2,000 के जुर्माने के साथ 18 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। उन्होंने साथ ही जर्मन जासूस हरमन लैंग के साथ अपनी सजा शुरू की। 1945 में फ्रेडरिक को उसकी फेलिंग फिजिकल और मेंटल हेल्थ के कारण मिसौरी के स्प्रिंगफील्ड के मेडिकल सेंटर में ट्रांसफर कर दिया गया। 1954 में खराब हेल्थ के कारण 14 साल के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। फ्रेडरिक जो एक हंटर से एक बेहतरीन स्पाई बना। फ्रेडरिक फ्रिट्ज जुबेट डुस्केन एक साउथ अफ्रीकन बोअर और जर्मन सोल्जर एक बड़ा शिकारी जर्नलिस्ट और जासूस था।
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो जर्मनी के लिए एक स्पाई और रिंग लीडर बन गए, और इस दौरान उसने साउथ अमेरिका में छिपे हुए बॉम्ब्स की ब्रिटिश मर्चेंट जहाजों में तोड़फोड़ की और कई को नष्ट कर दिया। फ्रेडरिक ने कभी कभी उस माल पर इंश्योरेंस खरीदी जिसे उसने उन जहाजों पर भेजा, फिर उसने तोड़ दिया था और फिर नुकसान के लिए क्लेम फाइल किया। उन्हें द मैन हु किल्ड किचनर के रूप में जाना जाता है क्योंकि उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने HMS हैम्पशायर की डुबाने के लिए गाइडेंस दिया था, जिस पर लॉर्ड किचनर 1916 में रूस जा रहे थे। हालांकि जहाज के फॉरेंसिक्स इस दावे को सपोर्ट नहीं करते हैं। 1917 में न्यूयॉर्क में फेडरल एजेंट से पकड़े जाने के बाद उन्होंने 2 साल तक पैरालाइज होने का नाटक किया और भागने के लिए अपने जेल की सलाखों को काट दिया। 1932 में उन्हें फिर से न्यूयॉर्क में फेडरल एजेंट्स ने पकड़ लिया और उन पर हत्या और भागे हुए कैदी होने का आरोप लगाया। केवल इस बार जब ब्रिटेन ने वॉर टाइम अपराधों को आगे बढ़ाने से मना कर दिया तो फ्रेडरिक को छोड़ दिया गया। आखिरी बार उन्हें 1941 में पकड़ा गया था और जेल में डाल दिया गया था, जब वो और ड्यूकसेन स्पाई रिंग के 32 और मेंबर्स को नाजी जर्मनी के लिए काम करने के आरोप में विलियम जी ने पकड़ा था। विलियम जी एक FBI डबल एजेंट था। फ्रेडरिक को बाद में यूनाइटेड स्टेट में इतिहास से सबसे बड़ी जासूसी की सजा में दोषी ठहराया गया था। वॉर्स के बीच में फ्रेडरिक ने अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट के बिग टाइम हंटिंग पर एक सलाहकार के रूप में, मूवी बिजनेस में एक पब्लिसिस्ट के रूप में, एक जर्नलिस्ट के रूप में, एक फिक्शनल ऑस्ट्रेलियन वॉर हीरो के रूप में और न्यूयॉर्क में न्यू फूड सोसाइटी के हेड के रूप में काम किया। वॉर के वक्त उन्हें ब्रिटिश सेना में स्काउट्स के हेड फ्रेडरिक रसेल बर्नहैम को मारने का ऑर्डर दिया गया था, लेकिन 1910 में उन्होंने बर्नहैम और रिप्रेजेंटेटिव रॉबर्ट दोनों के साथ मिलकर अमेरिकी कांग्रेस की जासूसी करने के लिए काम किया ताकि दरियाई घोड़े के इंपोर्ट के लिए इन्वेस्ट किया जा सके, ताकि मीट की भारी कमी को हल किया जा सके। 64 साल के फ्रेडरिक इस बार भी नहीं बचे। फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के उल्लंघन करने के लिए उन्हें 2 साल की सजा और $2,000 के जुर्मान के साथ 18 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। उन्होंने साथ ही जर्मन जासूस हरमन लैंग के साथ अपनी सजा शुरू की। 1945 में फ्रेडरिक को उसकी फेलिंग फिजिकल और मेंटल हेल्थ के कारण मिसौरी के स्प्रिंगफील्ड के मेडिकल सेंटर में ट्रांसफर कर दिया गया था। 1954 में खराब हेल्थ के कारण 14 साल के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। 24 मई 1956 को न्यूयॉर्क शहर में सिटी अस्पताल में फ्रेडरिक डुकसेन की 78 साल की उम्र में मौत हो गई। फ्रेडरिक जो एक हंटर से एक बेहतरीन स्पाई बना, उसके जैसा ही एक कैरेक्टर हमें पठान मूवी में भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों, शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर बवाल मचा हुआ है। फिल्म पठान का एक गाना कुछ दिनों पहले रिलीज किया गया था। उस गाने का नाम बेशर्म रंग है और फिल्म में एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण द्वारा पहने गए भगवा रंग के बिकनी को लेकर फिल्म को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया जाने लगा। लोगों ने फिल्म को लेकर कई मीम्स भी बना डाले। दोस्तों, जिसके बाद कई संगठनों ने फिल्म पर आपत्ति जताते हुए इसे बॉयकॉट करने की मांग की है। हाल ही में सेंसर बोर्ड ने फिल्म में जरूरी बदलाव करने का आदेश भी दिया है। इन सब के बावजूद फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू कर दी गई है और विदेशों में इस फिल्म को काफी शानदार परिणाम मिल रहे हैं। फिल्म की एडवांस बुकिंग डे 1 पर लगभग 30 करोड़ के आसपास रही है। दोस्तों, शाहरुख खान की फिल्म पठान ने जर्मनी में रिकॉर्ड तोड़ बुकिंग की है। वहीं शो के पहले दिन के सभी शोज हाउसफुल जा रहे हैं। इससे ये बात तो साफ है दोस्तों कि शाहरुख को ऐसे ही नहीं ग्लोबल स्टार माना जाता है, उनकी फैन फॉलोइंग भारत सहित पूरी दुनिया भर में है। फिल्म ने जर्मनी में एडवांस बुकिंग से सबको हैरान कर दिया है। फिल्म के ट्रेलर रिलीज से पहले ही इस तरह का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिलना इसके मेकर्स के लिए एक अच्छी खबर है। पठान फिल्म की एडवांस बुकिंग जर्मनी में 28 दिसंबर को शुरू की गई थी, जिसमें फिल्म रिलीज के पहले दिन के सभी शोज की एडवांस बुकिंग हाउसफुल है। इस रिस्पॉन्स को देख कर ये बात तो साफ है कि फिल्म को दर्शकों का पूरा प्यार मिल रहा है। दोस्तों, फिल्म को लेकर सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने फिल्म के मेकर्स को पठान में जरूरी बदलाव के साथ रिलीज से पहले इसे सबमिट करने को कहा है। फिल्म के गाने बेशर्म रंग के साथ ही फिल्म से कुछ सीन्स भी हटाने की नसीहत दी गई है। आपको बता दें कि फिल्म पठान को 25 जनवरी को रिलीज किया जाएगा। दोस्तों, आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड हैं? हमें फटाफट से बताइए अपनी राय कमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।
डॉक्टर पाठक और डॉक्टर सूरज को मैं 15 साल से जानती हूँ, वो बिट्रे नहीं करेंगे। वो आदमी परसों मरा, उसे मैं 40 साल से जानता था। साल तो doesn't seem to work for me, दिव्या। पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं। किस ग्लैमरस लुक में नजर आए दीपिका और शाहरुख? कब हो रहा है न्यू सॉन्ग रिलीज? क्या है गाने का टाइटल? हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल बॉलीग्रैंड स्टूडियोज। दोस्तों, शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म पठान सुर्खियों में है। किंग खान अपनी फिल्म को प्रमोट करने में जुटे हुए हैं। जैसा कि पहले से तय था कि फिल्म के ट्रेलर से पहले इसके गाने रिलीज किए जा रहे हैं। फिल्म के पहले रिलीज गाने बेशर्म रंग को लेकर विवाद बरकरार है। कई धार्मिक संगठनों के लोग इस पर आपत्ति जताते हुए गाने से कुछ सीन हटाने की डिमांड कर रहे हैं और गाने को अश्लील बताते हुए बॉयकॉट ट्रेंड भी चला रहे हैं। इन विवादों के बीच पठान का दूसरा गाना झूमे जो पठान का पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। दोस्तों, रिलीज किए गए पोस्टर में शाहरुख और दीपिका साथ में नजर आ रहे हैं। गाने के पोस्टर को देखकर लगता है कि ये गाना भी दर्शकों का जमकर मनोरंजन करने वाला है। गाने में किंग खान का स्टाइल और उनके चेहरे का एक्सप्रेशन काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। ब्लैक ड्रेस में दीपिका भी ग्लैमरस नजर आ रही है। दोस्तों, गाने के पोस्टर को दोनों के फैंस पसंद कर रहे हैं। इसे सोशल मीडिया पर जमकर शेयर भी किया जा रहा है। दोस्तों, रिलीज किए गए पोस्टर से पता चलता है कि गाना झूमे जो पठान 22 दिसंबर को रिलीज किया जाएगा। गाने के रिलीज होने के बाद पता चलेगा कि लोग इसे कितना पसंद कर रहे हैं या इसे लेकर भी किसी तरह का विवाद खड़ा हो जाता है। फिलहाल शाहरुख और दीपिका के फैंस गाने की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि शाहरुख की फिल्म पठान 25 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। इस फिल्म में दर्शकों को एक बार फिर शाहरुख और दीपिका की खूबसूरत जोड़ी देखने को मिलेगी। शाहरुख पठान में एक्शन किरदार में नजर आएंगे। इस फिल्म में जॉन अब्राहम भी दमदार रोल में नजर आने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको इस फिल्म का कितना इंतजार है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जाते जाते आप इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज। दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। सुर्खियां कई वजह से है। सबसे पहले तो कंट्रोवर्सी की बात कर ले, फर्स्ट सॉन्ग के आते ही कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई। आफ्टर दैट अभी हाल ही में CBFC ने, सेंसर बोर्ड ने फिल्म को US सर्टिफिकेट दिया है और कुछ कट्स के लिए सुझाव दिए। तीसरा रीजन ये है कि फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने वाला है और बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि ट्रेलर के साथ YRF ने बहुत बड़ा सरप्राइज पैकेज तैयार किया है जिसे देखने के बाद फैंस तो खुशी से झूम उठेंगे। 10 जनवरी को पठान का ट्रेलर रिलीज किया जाएगा और सिनेमाघरों में फिल्म 25 जनवरी 2023 को दस्तक देगी। पठान को इस साल की सबसे बड़ी एक्शन वाली फिल्म मानी जा रही है, लेकिन इसी के साथ इस साल कुछ और बेहतरीन फिल्म यशराज प्रोडक्शन की तरफ से रिलीज होने वाली है और इस बात का ऐलान खुद YRF यानी कि यशराज फिल्म्स ने किया है। दरअसल देखा जाए तो YRF प्रोडक्शन की तरफ से अनाउंसमेंट की गई है कि वो YRF स्पाई यूनिवर्स लाना चाहते हैं। स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा कई और फिल्में भी होने वाली हैं। इसमें बॉलीवुड के दबंग यानी कि सलमान खान की फिल्म टाइगर के अलावा एक्ट्रेस ऋतिक रोशन की फिल्म वॉर भी शामिल है। वही पठान के ट्रेलर के साथ ही YRF के स्पाई यूनिवर्स के लोगो को रिलीज किया जा सकता है। ऐसे में कहा जा रहा है कि YRF अपना स्पाई यूनिवर्स ला सकता है जिसमें और भी बहुत सी फिल्में बन सकती हैं। बल देखा जो दोस्तों, तो ट्विटर पर हिमेश का है एक ट्वीट वायरल हो रहा है। उन्होंने लिखा इस ट्वीट में, दी YRF स्पाई यूनिवर्स, उसके बाद फिल्मों की लिस्ट है। सबसे पहले 2012 में एक था टाइगर आई, 2017 में टाइगर जिंदा है, 2019 में वॉर, 2023 में पठान एंड अगेन सलमान खान की फिल्म 2023 में टाइगर 3 रिलीज होगी। उसके आगे लिखा कि द प्रोडक्शन हाउस कंफर्म कैरेक्टर क्रॉसओवर्स एंड न्यू एंट्रेंस टू द यूनिवर्स गोइंग फॉरवर्ड। हु वुड यू वांट टू सी इन द हैशटैग YRF स्पाई यूनिवर्स। वेल, कहा जा रहा है कि पठान के बाद हमें वॉर 2 भी देखने को मिलेगी। उसके अलावा भी कई और फिल्में आगे आने वाले टाइम में हमें देखने को मिलेगी और वो सभी YRF स्पाई यूनिवर्स का हिस्सा रहेंगी। देखा जाए दोस्तों, तो YRF और आदित्य चोपड़ा के लिए साल 2022 काफी निराशजनक रहा था। बीते साल उनकी कई बड़ी फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज हुई जिनमें शमशेरा, जेश भाई जोरदार और आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा शामिल थी।
ये तीनों ही फिल्में यशराज बैनर के तले बनी थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर अपना जलवा दिखाने में ये तीनों ही फिल्में नाकामयाब रही। यही वजह है कि यशराज फिल्म्स अब अपनी एक अलग स्पाई यूनिवर्स लेकर आ रहे हैं, जिसकी शुरुआत पठान यानी कि शाहरुख खान के साथ होगी। अब देखना होगा कि क्या इस स्पाई यूनिवर्स में धूम सीरीज भी शामिल होती है, क्योंकि खबरें हैं कि स्पाई यूनिवर्स में धूम सीरीज भी शामिल होगी, और अगर ऐसा होता है तो सच में बहुत बड़ा धमाका होने वाला है बॉक्स ऑफिस पर और YRF की तरफ से बॉलीवुड में। वेल, आपको क्या कहना है पठान के बारे में और इस स्पाई यूनिवर्स के बारे में, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर शेयर करें। खबर आ रही है जिससे फैंस खुशी के मारे उछल पड़ेंगे। दरअसल बुधवार को म्यूजिक डायरेक्टर विशाल ददलानी ने पठान को लेकर ट्वीट किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस के पोस्ट की बाढ़ उमड़ पड़ी। आपको बता दें, विशाल शेखर ने एक खबर को शेयर किया है जिसमें शाहरुख की पठान को लेकर जानकारी दी गई है। पठान में म्यूजिक डायरेक्टर की जोड़ी विशाल शेखर का नाम चुका है। इस खबर में ये भी कहा गया है कि कैसे शाहरुख खान के लिए ये जोड़ी लकी है और फिल्म पठान के लिए सुपरहिट होने के चांस को बढ़ा रही है। इसी खबर को लेकर विशाल ददलानी ने रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा, पिछले कोई आंकड़े महत्व नहीं रखते, न ही आने वाले आंकड़े महत्व रखते हैं। खास बात यह है कि पूरी दुनिया शाहरुख खान को दोबारा देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है। ऐसे में हम इस शानदार फिल्म में बेहतरीन गानों पर काम कर रहे हैं और वाकई इस वक्त पूरी दुनिया लगातार शाहरुख का इंतजार कर रही है, क्योंकि 3 साल से बड़े पर्दे पर नहीं दिखे हैं शाहरुख। और वहीं विशाल ददलानी ने इस ट्वीट से यह भी कंफर्म कर दिया है कि वो इस फिल्म में काम कर रहे हैं। इससे पहले भी विशाल और शेखर की जोड़ी शाहरुख खान के लिए लकी चार्म साबित हुई है, जैसे कि चेन्नई एक्सप्रेस में 1, 2, 3, 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर वाला म्यूजिक हो गया, फिर रेडी स्टेडी और हैप्पी न्यू ईयर में भी उन्होंने म्यूजिक दिया था। तो बहुत लकी चार्म माना जाता है शाहरुख खान के लिए। और हैप्पी न्यू ईयर की बात करें या चेन्नई एक्सप्रेस की, दोनों ही 200 भी फिल्म निकली थी शाहरुख खान की। वैसे सिर्फ विशाल शेखर ही नहीं बल्कि पूरी जो भी मेकर्स हैं वो भी करियर बेस्ट फिल्म बनाने में जुटे हुए हैं शाहरुख खान की से, क्योंकि यशराज बैनर्स ने भी कहा है कि हम इस फिल्म को ऐसे। क्या बात है डॉक्टर साहब, तबीयत तो ठीक है ना? खान की मन्नत पूरी नहीं हुई? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज। दोस्तों, आर्यन खान की रिहाई को लेकर शाहरुख और गौरी का इंतजार और भी लंबा होता जा रहा है। बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार के लाडले आर्यन खान की जमानत याचिका सेशंस कोर्ट से भी खारिज हो चुकी है। बुधवार को जज वीवी पाटिल ने दोपहर बाद करीब 2:45 पर इस मामले में अपना फैसला सुनाया। इससे पहले 14 अक्टूबर को मामले में दो पक्षों की जिक्र पूरी हुई थी और जज ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को कानूनी जानकार से लेकर फैंस को भी यही उम्मीद थी कि जज आर्यन के रिहाई को लेकर बड़ा फैसला सुनाएंगे, लेकिन ऐसा हो न सका। दिलचस्प बात ये भी रही कि 5 दिन से अधिक वक्त लेने के बाद जज वीवी पटेल और कोर्टरूम में मौजूद लोग भी हैरान थे उनके जजमेंट से। उन्होंने आकर सिर्फ 2 शब्द कहे और इन 2 शब्दों ने शाहरुख गौरी की मन्नत को चकनाचूर कर दिया। आपको बता दें, बुधवार को तय समय के हिसाब से करीब 11 बजे जज वीवी पाटिल कोर्ट रूम में पहुंचे। वहां पहले से आर्यन खान के वकील अमित देसाई और सतीश मान शिंदे के जूनियर भी मौजूद थे। एनसीबी की तरफ से एएसजी अनिल सिंह या अद्वैत सेठना तब कोर्ट में नहीं पहुंचे थे। जज वीवी पाटिल ने आने के साथ ही रूटीन मैटर्स की सुनवाई शुरू की। बताया गया कि आर्यन खान की जमानत का मामला 22वें नंबर पर लिस्टेड है। इस बीच कोर्ट में सतीश मान शिंदे भी आ गए। शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी भी कोर्ट में पहुंची और एनसीबी के वकील भी आ गए। दोपहर 12 बजे तक कोर्ट में लिस्टेड 14 मामलों का निपटारा हो चुका था। बताया गया कि आर्यन खान केस पर दोपहर लंच के बाद 2:45 पर फैसला
किस्सा सुनाया जाएगा लंच के बाद। ऐसा ही हुआ। करीब 2:45 पर वीवी पाटिल कोर्टरूम में पहुंचे और सिर्फ 2 शब्दों में ऑपरेटिव ऑर्डर सुनाया। उन्होंने सिर्फ 2 शब्दों में कहा बेल रिजेक्टेड। और जैसे ही उन्होंने कहा वाकई सबके दिल थम गए। जज सिर्फ इतना कहकर वहां से चले गए। वकीलों को बताया कि ये ऑपरेटिव ऑर्डर है और आर्यन के साथ ही बाकी 2 आरोपियों अरबाज और मुनमुन की जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई। कोर्टरूम के अंदर जज के इन 2 शब्दों में गहमा गहमी बढ़ गई। पूजा ददलानी ने फोन कर शाहरुख खान और गौरी को तत्काल खबर दी। जाहिर तौर पर जज वीवी पाटिल के इन 2 शब्दों ने 17 दिनों की उस मन्नत को चकनाचूर करके रख दिया जो शाहरुख गौरी ऊपर वाले से लगातार मांग रहे थे। लेकिन कानूनी लड़ाई यहां खत्म नहीं हुई है। आर्यन के वकीलों को अब जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। लेकिन उससे पहले सबसे जरूरी है कि सेशंस अदालत की ऑर्डर कॉपी, ऐसा इसीलिए क्योंकि ऑर्डर कॉपी देखने के बाद ही ये स्पष्ट हो सकेगा कि कोर्ट से किस आधार पर जमानत की याचिका खारिज की गई है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि किस आधार पर की गई है। अब देखना होगा दोस्तों कि कब ये सब होगा। और अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता, धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जो धंधे के लिए सही वो सही, शूटिंग आखिर क्यों? आर्यन को अब राम का पिता कहने लग गए थे लोग। शाहरुख ने इस पर कैसे रिएक्ट किया था? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज। दोस्तों, इन दिनों शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान बहुत ज्यादा मुश्किलों में फंस चुके हैं। 2 अक्टूबर के बाद से वो सलाखों के पीछे है। पूरी फैमिली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है, सबसे ज्यादा शाहरुख और उनका काम। शाहरुख का काम रुक चुका है पूरी तरह से। 3 प्रोजेक्ट्स कर रहे थे, पठान की शूट रुकी हुई है। लेकिन कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द शाहरुख अपने बेटे को बेल दिला देंगे और जल्द ही पठान का शूट शुरू करेंगे। आपको बता दें कि एक कंट्रोवर्सी के बारे में शाहरुख खान ने जिक्र किया था कि कैसे उनके सबसे छोटे बेटे अब्राहम का पिता बना दिया था आर्यन खान को। आपको बता दें शाहरुख खान के बच्चों और उनके बीच के अंतर के बारे में समझा दें। जैसा कि आप जानते हैं कि आर्यन शाहरुख और गौरी खान के बड़े बेटे। आर्यन का जन्म 1997 में हुआ था, यानी कि वो 24 साल के हैं। इसके बाद उनकी बेटी सुहाना का जन्म हुआ जो कि 2000 में पैदा हुई, 21 साल की है। और 13 साल बाद शाहरुख और गौरी बेटे अब्राम के पेरेंट्स बने। इस तरह की अफवाह से उन पर और उनकी फैमिली पर बहुत बुरा असर पड़ा। आर्यन खुद जो उस वक्त 15 साल के थे और वो भी इस खबर को सुनकर पूरी तरह से सन रह गए थे। शाहरुख कहते हैं कि अब मेरा बेटा 19 साल का है, आज भी अगर कोई उसे हेलो बोलता है तो वो तुरंत पलट कर कहता है भाई मेरे पास तो यूरोप का ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। गौरतलब है कि शाहरुख खान और गौरी खान ने सरोगेसी के जरिए अपने तीसरे बेटे को जन्म दिया। अब्राम की डिलीवरी प्री मेच्योर थी, उसका जन्म 40वें हफ्ते की बजाय 34वें हफ्ते में हो गया था। जन्म के बाद अब्राम कुछ समय के लिए अस्पताल भी रहे थे। क्या बात है डॉक्टर साहब, तबीयत तो ठीक है ना? गौरी खान की मन्नत पूरी नहीं हुई? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज। दोस्तों, आर्यन खान की रिहाई को लेकर शाहरुख और गौरी का इंतजार और भी लंबा होता जा रहा है। बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार के लाडले आर्यन खान की जमानत याचिका सेशंस कोर्ट से भी खारिज हो चुकी है। बुधवार को जज वीवी पाटिल ने दोपहर बाद करीब 2:45 पर इस मामले में अपना फैसला सुनाया। इससे पहले 14 अक्टूबर को मामले में
दो पक्षों की जिक्र पूरी हुई थी और जज ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को कानूनी जानकार से लेकर फैंस को भी यही उम्मीद थी कि जज आर्यन के रिहाई को लेकर बड़ा फैसला सुनाएंगे, लेकिन ऐसा हो न सका। दिलचस्प बात ये भी रही कि 5 दिन से अधिक वक्त लेने के बाद जज वीवी पटेल और कोर्टरूम में मौजूद लोग भी हैरान थे उनके जजमेंट से। उन्होंने आकर सिर्फ 2 शब्द कहे और इन 2 शब्दों ने शाहरुख गौरी की मन्नत को चकनाचूर कर दिया। आपको बता दें, बुधवार को तय समय के हिसाब से करीब 11 बजे जज बीवी पाटिल कोर्ट रूम में पहुंचे। वहां पहले से आर्यन खान के वकील अमित देसाई और सतीश मानशिंदे के जूनियर भी मौजूद थे। एनसीबी की तरफ से एएसजी अनिल सिंह या अद्वैत सेठना तब कोर्ट में नहीं पहुंचे थे। जज वीवी पाटिल ने आने के साथ ही रूटीन मैटर्स की सुनवाई शुरू की। बताया गया कि आर्यन खान की जमानत का मामला 22वें नंबर पर लिस्टेड है। इस बीच कोर्ट में सतीश मानशिंदे भी आ गए। शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी भी कोर्ट में पहुंची और एनसीबी के वकील भी आ गए। दोपहर 12 बजे तक कोर्ट में लिस्टेड 14 मामलों का निपटारा हो चुका था। बताया गया कि आर्यन खान केस पर दोपहर लंच के बाद 2:45 पर फैसला सुनाया जाएगा। लंच के बाद ऐसा ही हुआ। करीब 2:45 पर वीवी पाटिल कोर्ट रूम में पहुंचे और सिर्फ 2 शब्दों में ऑपरेटिव ऑर्डर सुनाया। उन्होंने सिर्फ 2 शब्दों में कहा, बेल रिजेक्टेड। और जैसे ही उन्होंने कहा, वाकई सबके दिल थम गए। जज सिर्फ इतना कहकर वहां से चले गए। वकीलों को बताया कि ये ऑपरेटिव ऑर्डर है और आर्यन के साथ ही बाकी 2 आरोपियों अरबाज और मुनमुन की जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई। कोर्टरूम के अंदर जज के इन 2 शब्दों में गहमा गहमी बढ़ गई। पूजा ददलानी ने फोन कर शाहरुख खान और गौरी को तत्काल खबर दी। जाहिर तौर पर जज वीवी पाटिल के इन 2 शब्दों ने 17 दिनों की उस मन्नत को चकनाचूर करके रख दिया जो शाहरुख गौरी ऊपर वाले से लगातार मांग रहे थे। लेकिन कानूनी लड़ाई यहां खत्म नहीं हुई है। आर्यन के वकीलों को अब जमानत के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा, लेकिन उससे पहले सबसे जरूरी है कि सेशंस अदालत की ऑर्डर कॉपी। ऐसा इसीलिए क्योंकि ऑर्डर कॉपी देखने के बाद ही ये स्पष्ट हो सकेगा कि कोर्ट से किस आधार पर जमानत की याचिका खारिज की गई है, क्योंकि किसी को नहीं पता कि किस आधार पर की गई है। अब देखना होगा दोस्तों कि कब ये सब होगा और कब। पठान को क्यों विशाल ददलानी ने बताया सुपर डुपर हिट? क्या यही वो फिल्म है जो धमाकेदार कमबैक करेगी? शाहरुख का क्या होने वाली है फिल्म की खास बातें? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्रास स्टूडियोज, मैं सोनिका जुआर। शाहरुख की पठान का जब से ऐलान हुआ है तभी से फिल्म लगातार चर्चाओं में है। फिल्म का बजट, फिल्म की कास्टिंग, फिल्म की शूटिंग से लेकर हर छोटी बड़ी खबर सामने आती रहती है और सुर्खियों में छा जाती है। दीपिका पादुकोण और शाहरुख की पठान से एक बार फिर से ऐसी ही खबर आ रही है जिससे फैंस खुशी के मारे उछल पड़ेंगे। दरअसल बुधवार को म्यूजिक डायरेक्टर विशाल ददलानी ने पठान को लेकर ट्वीट किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस के पोस्ट की बाढ़ उमड़ पड़ी। आपको बता दें, विशाल शेखर ने एक खबर को शेयर किया है जिसमें शाहरुख की पठान को लेकर जानकारी दी गई है। पठान में म्यूजिक डायरेक्टर की जोड़ी विशाल शेखर का नाम जुड़ चुका है। इस खबर में ये भी कहा गया है कि कैसे शाहरुख खान के लिए ये जोड़ी लकी है और फिल्म पठान के लिए सुपर हिट होने के चांस को बढ़ा रही है। इसी खबर को लेकर विशाल ददलानी ने रिएक्शन दिया और उन्होंने कहा, पिछले कोई आंकड़े महत्व नहीं रखते, न ही आने वाले आंकड़े महत्व रखते हैं। खास बात यह है कि पूरी दुनिया शाहरुख खान को दोबारा देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है। ऐसे में हम इस शानदार फिल्म में बेहतरीन गानों पर काम कर रहे हैं और वाकई इस वक्त पूरी दुनिया लगातार शाहरुख का इंतजार कर रही है, क्योंकि 3 साल से बड़े पर्दे पर नहीं दिखे हैं शाहरुख। और वहीं विशाल ददलानी ने इस ट्वीट से ये भी कंफर्म कर दिया है कि वो इस फिल्म में काम कर रहे हैं। इससे पहले भी विशाल और शेखर की जोड़ी
शाहरुख खान के लिए लकी चार्म साबित हुई है, जैसे कि चेन्नई एक्सप्रेस में 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर वाला म्यूजिक हो गया, फिर रेडी स्टेडी और हैप्पी न्यू ईयर में भी उन्होंने म्यूजिक दिया था। तो बहुत लकी चार्म माना जाता है शाहरुख खान के लिए। और हैप्पी न्यू ईयर की बात करें या चेन्नई एक्सप्रेस की, दोनों ही 200वीं फिल्म निकली थी शाहरुख खान की। वैसे सिर्फ विशाल शेखर ही नहीं बल्कि पूरे जो भी मेकर्स हैं वो भी करियर बेस्ट फिल्म बनाने में जुटे हुए हैं शाहरुख खान की से, क्योंकि यशराज बैनर्स ने अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं है, धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं। जो धंधे के लिए सही वो सही, शाहरुख सलमान नहीं तो किस एक्टर की दीवानी थी दीपिका, किसकी फोटो किस करके रोज रातों को सोया करती थी, कब रिलीज होगी दीपिका की पठान। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्रास स्टूडियोज। दोस्तों, एक्टर और एक्ट्रेसेस को लेकर हर किसी की अपनी पसंद होती है और उस पर क्रश भी होता है। कोई बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान का दीवाना है तो कोई सलमान खान, तो कोई अमिताभ, कोई हेमा मालिनी का दीवाना है तो कोई कैटरीना कैफ का। ऐसे में आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण बचपन से किसकी दीवानी थी और किस पर क्रश था। और कई लोगों का जवाब होगा कि सलमान खान या शाहरुख खान, क्योंकि इन्हीं एक्टर्स की फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है और इन्हें लोग प्यार भी बहुत ज्यादा करते हैं। लेकिन दीपिका पादुकोण इन दोनों में से किसी को भी पसंद नहीं करती थी, प्यार नहीं करती थी, मतलब इनकी फैन नहीं थी बचपन से वो किसी और की फैन थी। तो आपको बता दें ये और कोई नहीं बल्कि टाइटैनिक स्टार लियोनार्डो डिकैप्रियो थे। जी हाँ, लियोनार्डो की बहुत सारी फोटो दीपिका के पास थी, रोज वो तस्वीरें लेकर सोती थी और उन्हें किस भी किया करती थी। फिलहाल आप जानते हैं कि पठान का शूट रुका पड़ा है, शूट शुरू हो चुका था, सब कुछ तैयार था, दीपिका ने ज्वाइन कर लिया, जॉन ने ज्वाइन कर लिया, टाइगर यानी कि सलमान खान आने वाले थे, लेकिन बीचों बीच में जो हुआ वो किसी को भी पसंद नहीं आ रहा और शाहरुख बहुत ज्यादा दिल से परेशान है, क्योंकि अभी उनके साहबजादे आर्यन खान जेल की सलाखों के पीछे। और कोई भी पिता ऐसे में कितना दुखी होगा आप खुद ही समझ सकते हैं। इसीलिए शाहरुख पठान का शूट कंटिन्यू नहीं कर पा रहे और दीपिका भी इसीलिए लाचार। अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं है, धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं। जो धंधे के लिए सही वो सही, शाहरुख सलमान नहीं तो किस एक्टर की दीवानी थी दीपिका, किसकी फोटो किस करके रोज रातों को सोया करती थी, कब रिलीज होगी दीपिका की पठान। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्रास स्टूडियोज। दोस्तों, एक्टर और एक्ट्रेसेस को लेकर हर किसी की अपनी पसंद होती है और उस पर क्रश भी होता है। कोई बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान का दीवाना है तो कोई सलमान खान, तो कोई अमिताभ, कोई हेमा मालिनी का दीवाना है तो कोई कैटरीना कैफ का। ऐसे में आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण बचपन से किसकी दीवानी थी और किस पर क्रश था। और कई लोगों का जवाब होगा कि सलमान खान या शाहरुख खान, क्योंकि इन्हीं एक्टर्स की फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है और इन्हें लोग प्यार भी बहुत ज्यादा करते हैं। लेकिन दीपिका पादुकोण इन दोनों में से किसी को भी पसंद नहीं करती थी, प्यार नहीं करती थी, मतलब इनकी फैन नहीं थी बचपन से वो किसी और की फैन थी। तो आपको बता दें ये और कोई नहीं बल्कि टाइटैनिक स्टार लियोनार्डो डिकैप्रियो थे।
जी हाँ, लियोनार्डो की बहुत सारी फोटो दीपिका के पास थी। रोज वो तस्वीरें लेकर सोती थी और उन्हें किस भी किया करती थी। फिलहाल आप जानते हैं कि पठान का शूट रुका पड़ा है। शूट शुरू हो चुका था, सब कुछ तैयार था। दीपिका ने ज्वाइन कर लिया, जॉन ने ज्वाइन कर लिया, टाइगर यानी कि सलमान खान आने वाले थे, लेकिन बीचों बीच में जो हुआ वो किसी को भी पसंद नहीं आ रहा। और शाहरुख बहुत ज्यादा दिल से परेशान है क्योंकि अभी उनके साहबजादे आर्यन खान जेल की सलाखों के पीछे, और कोई भी पिता ऐसे में कितना दुखी होगा आप खुद ही समझ सकते हैं। इसीलिए शाहरुख पठान का शूट कंटिन्यू नहीं कर पा रहे और दीपिका भी इसीलिए लाचार हो गई। धंधा बोलता है ना, क्राइम में धंधा बंद कर ले वरना सांस लेना भी मुश्किल। गुजरात की हवा में व्यापार है साहेब, मेरी सांस तो रोक लो लेकिन इस हवा को कैसे रोकूं। कब रिलीज होगी शाहरुख खान की पठान? क्या खतरे में है आर्यन खान की जान? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज। दोस्तों, बॉलीवुड फिल्म स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत याचिका पर मुंबई की एनडीपीसी कोर्ट ने 20 अक्टूबर तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसकी वजह से अभी आर्यन खान को मुंबई की आर्थर रोड जेल में 6 दिन और बिताने हैं। आर्यन खान की जमानत याचिका पर एनसीबी ने अपनी तरफ से कड़ी दलीलें रखते हुए अदालत से गुहार की थी कि उन्हें बेल ना दी जाए। इस मामले में कोर्ट में लगातार 2 दिन चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने जमानत याचिका पर फैसला 20 अक्टूबर तक के लिए सुरक्षित कर लिया है। कोर्ट के आदेश के बाद सोशल मीडिया पर लोग इस मामले पर अपनी अपनी राय रख रहे हैं। इस बीच बॉलीवुड सितारों की अपनी ट्वीट के जरिए क्लास लगाने वाले एक्स बिग बॉस कॉन्टेस्टेंट केआरके ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा कहा जिससे हर कोई दंग रह गया, हर किसी का कलेजा फट गया। केआरके ने ट्वीट कर लिखा, एनसीबी आर्यन खान को जेल में 20 अक्टूबर तक रखने में सफल हुई, मतलब आर्यन खान को नर्क देखना होगा। उम्मीद है कि वो इस असहनीय दर्द को बहादुरी से बर्दाश्त करे। मेरी प्रार्थनाएं उसके साथ है क्योंकि उसकी जिंदगी खतरे में है। इससे पहले भी बॉलीवुड एक्टर और एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट केआरके ने शाहरुख के बेटे आर्यन खान के खिलाफ हो रही कार्रवाई के खिलाफ अपना रोष दिखाया था। फिल्म स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी ने 2 अक्टूबर को मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज में पकड़ा था और बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ गई है दोस्तों शाहरुख खान की। उन्होंने पठान की शूट भी रोक दी है और लगातार डिले हो रहा है और अब अगले साल तक पोस्टपोन हो चुकी है ये फिल्म। अब देखना होगा कि आर्यन खान कब जेल से निकलेंगे क्योंकि वहां बहुत बदतर दिन देख रहे हैं। आर्यन खान को वो वॉशरूम, जेल का जो वॉशरूम होता है वो यूज ना करना पड़े, उसकी वजह से वो खाना भी नहीं खा रहे। इसके अलावा शाहरुख खान की फैमिली भी बहुत ज्यादा परेशान है, शाहरुख खाना नहीं खा रहे हैं और गौरी खान बहुत ज्यादा परेशान है। अब देखना होगा। क्या बात है डॉक्टर साहब, तबीयत तो ठीक है ना? आधी रात में कच्ची नींद से उठा दिया सबको। मेरा भाई मनी नगर रहता है, अरे आदमी ने उसे। क्या बात है डॉक्टर साहब, तबीयत तो ठीक है ना? We'll be right back.
कंपनी को सूट वाला रूल चलता है। कौन है SRK का रिप्लेसमेंट इन द मूवी पठान? प्रियंका ने किसे मूवी पठान में किया रिप्लेस? जॉन का विलन वाला रोल है किस पर सूटेबल? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीवुड स्टूडियोज में। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति। दोस्तों, कभी कभी हम लोग ये सोचने लगते हैं कि किसी फिल्म में कोई भी कैरेक्टर वैसा हमें दिखा नहीं जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, और जब हमें ये फीलिंग आने लगती है तब हमारे दिमाग गहरने लगते हैं। वो थॉट्स कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि इस कैरेक्टर की जगह कोई और कैरेक्टर हो सकता था, या फिर कौन इस कैरेक्टर की जगह सूटेबल रहता है ना। तो आज हम ऐसे ही एक क्वेश्चन का आंसर करने जा रहे हैं जो कि आज की ऑडियंस काफी दिनों से पूछ रही थी फॉर द अपकमिंग मूवी ऑफ SRK विच इज पठान। क्वेश्चन ये है कि कौन ले सकता है SRK जॉन और दीपिका की जगह मूवी पठान में। तो आइए हम आज के इस क्वेश्चन को आंसर कर देते हैं बिल्कुल ऑनेस्टी और फैक्ट के साथ। अगर पठान मूवी का एक स्मॉल रनडाउन दिया जाए तो उस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं सिद्धार्थ आनंद, और ये मूवी यशराज फिल्म्स के बैनर के अंदर बनाई जा रही है। इस मूवी में स्टार कर रहे हैं SRK जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण। ये एक विलन वर्सेस कॉप मूवी होने वाली है। अब बात की जाए इस मूवी में कौन SRK की जगह ले सकता है जो पठान में हो, तो पहला नाम आता है श्रुतिक रोशन का। हाँ दोस्तों, जब भी ये कॉन्सेप्ट ऑफ विलन वर्सेस पुलिस और सीक्रेट एजेंट लोग सुनते हैं तो पहला नाम उनके दिमाग में ऋतिक रोशन का ही स्ट्राइक करता है। ऋतिक ने आधे से ज्यादा जो रोल किए हैं वो या फिर तो किसी कॉप के हैं या एजेंट के, जो कि उनको बॉलीवुड में एक सूटेबल आर्टिस्ट बनाता है फॉर एनी मूवी जिसमें कॉप एंड विलन की स्टोरी हो। लोग ये बात बिना झिझक के कह सकते हैं कि SRK की जगह अगर कोई भी एक्टर मूवी पठान में ले सकता है तो वो है ऋतिक रोशन। अब आ जाते हैं जॉन के कैरेक्टर पर। ये बात यहाँ नोट करने वाली है कि जॉन पठान में ये नेगेटिव रोल प्ले करेंगे। अगर हम जॉन की विलन वाली इमेज को याद करें तो वो हमें मूवी रेस में अच्छे से देखने के लिए मिल गई थी, इसलिए वैसा कोई विलन ढूंढने तो सिर्फ एक ही इंसान का नाम दिमाग में आएगा और वो है सैफ अली खान। आप लोगों में से जिसने भी तन्हा देखी होगी उसमें सबने सैफ का नेगेटिव रोल तो देखा ही होगा, जो कि काफी सिमिलर था जॉन की रेस के नेगेटिव रोल से। ओनली माइनर चेंजेस था अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट, इसलिए ये कहा जा सकता है कि मूवी पठान में अगर सैफ जॉन की जगह विलन का रोल करे तो वो भी काफी ज्यादा कमाल का लगेगा। अब आइए दीपिका पर, तो किसको आप से एज अ फीमेल कॉप देखना पसंद करेंगे? फीमेल कॉप का नाम सुनते ही सबको शायद से हमारी तरह एक ही नाम याद आएगा और वो है प्रियंका चोपड़ा जॉनस का। प्रियंका ने जॉन मूवी में जैसा फीमेल कॉप का रोल किया था उसका लेवल क्या हुआ था डॉक्टर साहब, तबीयत तो ठीक है? SRK का रिप्लेसमेंट इन द मूवी पठान? प्रियंका ने किसे मूवी पठान में किया रिप्लेस? जॉन का विलन वाला रोल है किस पर सूटेबल? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीवुड स्टूडियोज में। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति। दोस्तों, कभी कभी हम लोग ये सोचने लगते हैं कि किसी फिल्म में कोई भी कैरेक्टर वैसा हमें दिखा नहीं जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, और जब हमें ये फीलिंग आने लगती है तब हमारे दिमाग गहरने लगते हैं। वो थॉट्स कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि इस कैरेक्टर की जगह कोई और कैरेक्टर हो सकता था, या फिर कौन इस कैरेक्टर की जगह सूटेबल रहता है ना। तो आज हम ऐसे ही एक क्वेश्चन का आंसर करने जा रहे हैं जो कि आज की ऑडियंस काफी दिनों से पूछ रही थी फॉर द अपकमिंग मूवी ऑफ SRK विच इज पठान। क्वेश्चन ये है कि कौन ले सकता है SRK जॉन और दीपिका की जगह मूवी पठान में। तो आइए हम आज के इस क्वेश्चन को आंसर कर देते हैं बिल्कुल ऑनेस्टी और फैक्ट के साथ। अगर पठान मूवी का एक स्मॉल रनडाउन दिया जाए तो उस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं सिद्धार्थ आनंद, और ये मूवी यशराज फिल्म्स के बैनर के अंदर बनाई जा रही है। इस मूवी में स्टार कर रहे हैं SRK जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण। ये एक विलन वर्सेस कॉप मूवी होने वाली है। अब बात की जाए इस मूवी में कौन SRK की जगह ले सकता है जो पठान में हो, तो पहला नाम आता है श्रुतिक रोशन का। हाँ दोस्तों, जब भी ये कॉन्सेप्ट ऑफ विलन वर्सेस पुलिस और सीक्रेट एजेंट लोग सुनते हैं तो पहला नाम उनके दिमाग में ऋतिक रोशन का ही स्ट्राइक करता है। ऋतिक ने आधे से ज्यादा जो रोल किए हैं वो या फिर तो किसी कॉप के हैं या एजेंट के, जो कि उनको बॉलीवुड में एक सूटेबल आर्टिस्ट बनाता है फॉर एनी मूवी जिसमें कॉप एंड विलन की स्टोरी हो। लोग ये बात बिना झिझक के कह सकते हैं कि SRK की जगह अगर कोई भी एक्टर मूवी पठान में ले सकता है तो वो है ऋतिक रोशन। अब आ जाते हैं जॉन के कैरेक्टर पर। ये बात यहाँ नोट करने वाली है कि जॉन पठान में ये नेगेटिव रोल प्ले करेंगे। अगर हम जॉन की विलन वाली इमेज को याद करें तो वो हमें मूवी रेस में अच्छे से देखने के लिए मिल गई थी, इसलिए वैसा कोई विलन ढूंढने तो सिर्फ एक ही इंसान का नाम दिमाग में आएगा और वो है सैफ अली खान। आप लोगों में से जिसने भी तन्हा देखी होगी उसमें
सबने सैफ का नेगेटिव रोल तो देखा ही होगा, जो कि काफी सिमिलर था जॉन की रेस के नेगेटिव रोल से। ओनली माइनर चेंजेस था अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट, इसलिए ये कहा जा सकता है कि मूवी पठान में अगर सैफ जॉन की जगह विलन का रोल करे तो वो भी काफी ज्यादा कमाल का लगेगा। अब आइए दीपिका पर, तो किसको आप से एज अ फीमेल कॉप देखना पसंद करेंगे? फीमेल कॉप का नाम सुनते ही सबको शायद से हमारी तरह एक ही नाम याद आएगा और वो है प्रियंका चोपड़ा जॉनस का। प्रियंका ने जॉन मूवी में जैसा फीमेल कॉप का रोल किया था उसका लेवल शायद से ही कोई और मैच कर पाए, इसलिए अगर इस मूवी में दीपिका को कुछ रिप्लेस कर सकता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, विनर्स एंड लूजर्स। से क्या एक बार फिर शाहरुख के करियर पर छाएगा काला बादल? कौन सी गलती कर बैठते हैं शाहरुख अपनी हर फिल्म साइन करने से पहले? नमस्कार दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियोज में आप सभी का स्वैग से स्वागत है। सो गाइस, आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि आज हम लाए हैं आपके लिए शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म पठान से जुड़े कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स और फिल्म में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा। इन सभी टॉपिक्स पर होगी डिस्कशन आज के इस वीडियो में, तो आपका कीमती समय बर्बाद ना करके वीडियो शुरू करते हैं। अच्छी खासी पठान की शूटिंग चल रही थी कि बस एक कांड हुआ और सब तहस नहस। अब ये खबर तो आप भी जानते ही होंगे कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ड्रग केस में फंसने के बाद आर्यन खान के साथ साथ उनकी पूरी फैमिली पर थप्पा लग चुका है। वहीं शाहरुख खान की पठान के साथ साथ उनकी कई अपकमिंग फिल्म्स में से भी शाहरुख का पत्ता कट चुका है। अब डायरेक्टर तो चाहेंगे नहीं कि हमारी फिल्म फ्लॉप जाए या फिल्म को बॉयकॉट किया जाए। वहीं ड्रग केस के बाद से ही आर्यन खान से ज्यादा मीडिया शाहरुख खान के पीछे पड़ी है। अब हाल ही में एक बहुत बड़ी न्यूज सामने आई कि ऑनलाइन ट्यूटरिंग कंपनी बायजूस, जिसका एडवर्टाइजमेंट शाहरुख खान करते थे, अब बायजूस ने भी सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए हैं शाहरुख से। अब कंपनी ने तो ब्रांड एम्बेसडर की जगह से निकाल फेंका है शाहरुख को, तो ऐसे में सवाल आता है कि कौन हो सकता है बायजूस का अगला ब्रांड एम्बेसडर। बायजूस, जिसके 65 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर और पिछले कुछ सालों से सबसे तेजी से आगे बढ़ रही थी ये कंपनी, और कम से कम 25 मिलियन न्यू यूजर्स ने साइन किया था कोविड महामारी के दौरान। वहीं आपको एक और दिलचस्प खबर बता दें कि शाहरुख खान की लास्ट फिल्म जीरो, जिसमें उन्होंने कुछ खास प्रदर्शन नहीं दिया था, और उसी दौरान उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि हमेशा की तरह वो बिना स्क्रिप्ट पढ़े ही फिल्म साइन कर लेते हैं, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती होती थी। और कई सालों के गैप के बाद उन्होंने अपनी फिल्म पठान को साइन किया था, जिसकी शूटिंग अब रद्द हो चुकी है, और आगे ना जाने फ्यूचर में शाहरुख के करियर पर कौन सा काला बादल छाएगा। शाहरुख और दीपिका पादुकोण की जोड़ी बॉलीवुड के फिल्मी जोड़ियों में से एक है जिसे दर्शक बार बार देखना पसंद करते हैं। शाहरुख के साथ दीपिका की ये चौथी फिल्म है। फिल्म के म्यूजिक पर भी काम शुरू हो चुका था और एक सॉन्ग शूट भी होने वाला था स्पेन में, लेकिन अब उसको भी टाल दिया गया है। फिल्म में म्यूजिक विशाल एंड शेखर ने दिया है। शाहरुख और दीपिका की अब तक जितनी भी फिल्म साथ में आई है उसमें विशाल एंड शेखर का म्यूजिक जरूर ऐड रहता है, इसे एक कोइंसिडेंस भी कह सकते हैं। गुजरात की हवा में व्यापार है साहिब, मेरी सांस तो रुक लो, लेकिन इस हवा को कैसे रोक। फिल्म पठान है सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, क्यों नहीं है फिल्म पठान?
पठान की कहानी में बेताजगी और क्यों लोग पठान को मान रहे हैं अवास्तविक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। दोस्तों, ऐसी कई सारी फिल्में होती हैं जो फिल्मों के मार्केट में तो चलने की कैपेबल होती है लेकिन उनकी स्टोरी का कहीं ना कहीं कोई सेंस नहीं होता है। ये स्टोरीज ऑडियंस को एक एंटरटेनमेंट के पर्पस से देखने तो अच्छी लगती हैं, मगर दोस्तों इनसे कुछ सीखने के लिए या फिर कुछ नॉलेज गेन करने के लिए देखा जाए तो शायद इन मूवीज का कोई सेंस बनेगा। तो दोस्तों, आज हम बॉलीवुड नाम के समंदर में कूद कर लाए हैं एक और ऐसी मूवी जो कि पर्दे पर जल्द ही हिट करने वाली है, लेकिन ये मूवी आपको सिर्फ एंटरटेनमेंट प्रदान कर सकती है। अगर आप दोस्तों इसे नॉलेज या फिर किसी इन्फॉर्मेशन के लिए देखना चाहते हैं तो दोस्तों ये फिल्म शायद से आपके लिए नहीं है। तो जिस मूवी की हम बात कर रही हैं वो मूवी कोई और नहीं बल्कि अपकमिंग बॉलीवुड मूवी पठान है। अगर पठान मूवी के बारे में आप लोगों को थोड़ी सी नॉलेज दी जाए तो इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं सिद्धार्थ आनंद और ये मूवी यशराज फिल्म्स के बैनर के अंडर बनाई जा रही है। इस मूवी में स्टार कर रहे हैं SRK, जॉन अब्राहम और दोस्तों दीपिका पादुकोण। तो दोस्तों, ये तो हम मूवी की एक रफ स्टार कास्ट है। अब आ जाते हैं इस मूवी की स्टोरी पर। तो पठान की स्टोरी लाइन होने वाली है कुछ ऐसी जिसमें एक विलन होगा जो कि मिडिल ईस्ट में रहता है। विलन काफी अमीर होगा। इस मूवी के विलन बने हैं जॉन, जो कि एक माफिया ड्रग लॉर्ड है। अब जॉन इसमें एक बहुत ही ज्यादा क्रूअल इंसान की तरह दिखाए गए हैं जो अपने पिता का मर्डर खुद ही कर देता है। दोस्तों, तभी एंट्री होगी इस फिल्म में SRK और दीपिका की, जो दोनों ही दोस्त इस मूवी में कॉप्स हैं, जॉन को पकड़ने जाते हैं। आप जब दोस्तों हमने ये स्टोरी आप लोगों को इलाबोरेट करके बता ही दी है तो आप में से किस किस को ये फीलिंग आई कि उन्होंने ये स्टोरी पहले सुन रखी है। दोस्तों हाँ, इसका आंसर काफी ऑब्वियस है। हाँ दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोगों ने स्टोरी को यूजुअल में सुना ही होगा। हाँ दोस्तों, मन में एक नया सवाल भी आया होगा कि स्टोरी में नया क्या है, जिसका एक सिंपल सा आंसर है कि स्टोरी में कुछ भी नया नहीं है। बॉलीवुड में ऐसी दर्जनों मूवीज हैं जिसमें सेम कॉप एंड विलन वाली स्टोरीज हैं और ये स्टोरी शायद से ही कोई सेंस बनाती होंगी। मूवी में कहीं भी कोई पुलिस फोर्स, लीगल पेपर वर्क और पुलिस कॉर्पोरेशन नहीं दिखाया जाता। बस होता है तो एक हीरो या फिर उसके साथ काम करने वाले लोग, उसी के दुस्साथी। मूवी में रियलिस्टिक टच पूरी तरह से मिसिंग है, पर दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि आजकल के टाइम में ऐसे सिनेमा की डिमांड नहीं है। लेकिन जब तक समझदार है कि वो फर्क करना हमेशा जानती है कि कौन सी फिल्म एंटरटेनमेंट पर्पस से देखी जाए और कौन सी नॉलेज पर्पस से। तो दोस्तों, आप हमें बताइए कि आप पठान को कौन से पर्पस वाली। क्या शाहरुख के बेटे की वजह से पठान की शूटिंग में पड़ा खलल? मेकर से उठाया कौन सा बड़ा कदम? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जाल। दोस्तों, शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान फिलहाल ड्रग्स केस में NCB की कस्टडी में है और इसी वजह से शाहरुख की भी मुश्किलें बढ़ चुकी है। शाहरुख और उनकी पत्नी गौरी खान अपने सारे काम रोककर बेटे को जल्दी से जल्द जमानत दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच खबर आई कि तमिल डायरेक्टर एटली की अपकमिंग फिल्म की शूटिंग भी अटक चुकी है। वहीं रिपोर्ट्स की माने तो एटली की इस फिल्म की शूटिंग पर इसका असर ना पड़े, इसके लिए मेकर्स ने शाहरुख खान के बॉडी डबल प्रशांत वाल्दे को बुलाया है। वहीं पठान का शूट शाहरुख खान कर रहे थे और उन्होंने काफी शूटिंग कर भी ली थी, लेकिन अचानक ये खबर आई जिस वजह से पठान का शूट भी रोक दिया गया। अभी 180 दिनों की शूटिंग बाकी है। इतना ही नहीं, खबरों की माने तो इस बीच शाहरुख खान को दीपिका पादुकोण के साथ फिल्म पठान के एक गाने का भी शूट करना था जो कि स्पेन में करना था, जिसे फिलहाल टाल दिया गया है। आर्यन की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर लोग शाहरुख खान का समर्थन कर रहे हैं। मन्नत के बाहर पूरी रात फैंस जमा रह रहे हैं। लोगों ने वहां भी स्टैंड विद शाहरुख खान, लोगों ने वहां वी स्टैंड विद आर्यन खान लिखे हुए बैनर लगाए हुए हैं। मन्नत के बाहर लगी एक होर्डिंग में लिखा हुआ है, इस दुनिया के हर कोने में बसे आपके फैंस आपको बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं, इस मुश्किल घड़ी में हम सब आपके साथ हैं किंग। शाहरुख खान के बेटे आर्यन को 2 अक्टूबर के रात NCB ने हिरासत में लिया। आर्यन अपने दोस्तों के साथ क्रूज शिप कैडरेलिया में पकड़ा गया और मुंबई से गोवा जा रहा था ये शिप। तो आर्यन की वजह से शाहरुख खान की कई मुश्किल। क्या शाहरुख के बेटे की वजह से पठान की शूटिंग में पड़ा खलल? मेकर से उठाया कौन सा बड़ा कदम? हेलो फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जाल। दोस्तों, शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान फिलहाल ड्रग्स केस में एनसीबी की कस्टडी में है और इसी वजह से शाहरुख की भी मुश्किलें बढ़ चुकी है। शाहरुख और उनकी पत्नी गौरी खान अपने सारे काम रोककर बेटे को जल्दी से जल्द जमानत दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच खबर आई कि तमिल डायरेक्टर एटली की अपकमिंग फिल्म की शूटिंग भी अटक चुकी है। वहीं रिपोर्ट्स की माने तो एटली की इस फिल्म की शूटिंग पर इसका असर ना पड़े, इसके लिए मेकर्स ने शाहरुख खान के बॉडी डबल प्रशांत वालदे को बुलाया है। वहीं पठान का शूट शाहरुख खान कर रहे थे और उन्होंने काफी शूटिंग कर भी ली थी, लेकिन अचानक ये खबर आई जिस वजह से पठान का शूट भी रोक दिया गया। अभी 180 दिनों की शूटिंग बाकी है। इतना ही नहीं, खबरों की माने तो इस बीच शाहरुख खान को दीपिका पादुकोण के साथ फिल्म पठान के एक गाने का भी शूट करना था, जो कि स्पेन में करना था, जिसे फिलहाल टाल दिया गया है। आर्यन की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर लोग शाहरुख खान का समर्थन कर रहे हैं। मन्नत के बाहर पूरी रात फैंस जमा रह रहे हैं। लोगों ने वहां वी स्टैंड विद आर्यन खान लिखे हुए बैनर लगाए हुए हैं। मन्नत के बाहर लगी एक होर्डिंग में लिखा हुआ है, इस दुनिया के हर कोने में बसे आपके फैंस आपको बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं। इस मुश्किल घड़ी में हम सब आपके साथ हैं किंग। शाहरुख खान के बेटे आर्यन को 2 अक्टूबर के रात एनसीबी ने हिरासत में लिया। आर्यन अपने दोस्तों के साथ क्रूज शिप कैडरिलिया में पकड़ा गया और मुंबई से गोवा जा रहा था ये शिप। तो आर्यन की वजह से शाहरुख खान की कई मुश्किलें बढ़ चुकी है। अब देखना होगा कि क्या क्या आगे होता है। आपका इस बारे में क्या कहना है और पठान का कितना इंतजार है, नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सोशल मीडिया पर आए दिन स्टार्स छाए रहते हैं। कई बार बॉलीवुड सितारों को ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ता है तो कुछ उनका साथ भी देते हैं और खुलकर सोशल मीडिया पर सपोर्ट करते हैं। ठीक इसी तरह शाहरुख खान गुरुवार को ट्विटर पर ट्रोल्स के हत्थे चले। ट्विटर पर बायकॉट शाहरुख खान और पठान जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। शाहरुख खान के बहिष्कार की मांग का कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ा है। इसी वजह से कुछ ट्रोलर्स ने किंग खान की फिल्मों और उनका बहिष्कार करने की मांग की। हुआ यूं कि शाहरुख खान की एक पुरानी तस्वीर अचानक सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। इस तस्वीर में वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ नजर आ रहे। इस तस्वीर को देख यूजर्स भड़क गए और बायकॉट की मांग करने लगे। इसी गुस्से में यूजर ने शाहरुख खान की पठान को भी घसीटा और मांग की कि इस फिल्म को ना देखने और ना रिलीज करने की कोशिश करे। इस बीच सोशल मीडिया पर शाहरुख खान के समर्थन में उनके चाहने वाले भी आए और शाहरुख खान पर गर्व है ये हैशटैग करवाया। शाहरुख खान ने इस पूरे मामले में चुप्पी साधना सही समझा। फिलहाल शाहरुख खान ने इमरान खान के साथ वाली पुरानी तस्वीर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और ना ही ट्रोल्स को सफाई दिया। हाल ही में खबरें आई थी कि पाकिस्तान तालिबान की मदद कर रहा है। एक इंटरव्यू में तो इमरान ने तालिबान की मदद की सभी अपील तक कर डाली। इस रुख के बाद भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है और भारतवासी इस वजह से खासा गुस्से में। इस बीच शाहरुख खान की फोटो इमरान खान के साथ ट्रोलर शाहरुख खान को ट्रोल करने लगे। शाहरुख खान के फैंस भी इस बहस में कूदे। उन्होंने किंग खान का साथ दिया। उन्होंने कहा कि वो सभी शाहरुख खान से प्यार करते हैं और ये तस्वीर काफी पुरानी है जिसे बेवजह गलत समय पर निकाल कर भड़ास निकाली जा रही है। वेल, देखा जाए तो बात तो सही है, फोटो काफी पुरानी है और इस समय उसको लेकर आना बीच में ये गलत बात है। जो हो रहा है तालिबान में या पाकिस्तान जो कह रहे हैं वो सब गलत है और हमें अपनी तरफ से इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए। वेल, आप क्या कहते हैं इस बारे में, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। क्या बात है डॉक्टर साहब, तबीयत तो ठीक है ना? पठान की शूटिंग लोकेशंस क्या होने वाली है? एसआरके की अपकमिंग फिल्म की शूटिंग कब शुरू होगी? क्यों चुना गया पठान की शूटिंग के लिए इतने अलग तरह के लोकेशंस? बॉलीवुड के फैंस तो अभी से ही दिल थामे हुए बैठे हैं, क्योंकि किंग खान की फिल्म
पूरे 3 साल बाद आने वाली है। जीरो के बाद शाहरुख खान ने बड़ा लंबा इंतजार कराया, पर आखिरकार फैंस उन्हें देखने के लिए इतना तरस गए कि एसआरके ने पठान के साथ 3 साल बाद अपनी ऑडियंस और फैंस को खुश करने का फैसला लिया। शाहरुख खान की एक्शन थ्रिलर फिल्म आने वाली है जो कि काफी ज्यादा हटके होगी। वैसे तो एसआरके बॉलीवुड के रोमांस किंग के नाम से जाने जाते हैं, पर इस बार उन्होंने एक एक्शन थ्रिलर करने का फैसला लिया है और इस फिल्म की शूटिंग के लिए जोरों शोरों से तैयारियां शुरू हो चुकी है। कहा जा रहा है कि शाहरुख खान और जॉन अब्राहम ने अप्रैल 2021 में अपने कुछ एक्शन सीक्वल्स की शूटिंग शुरू कर दी थी। इन एक्शन सीक्वल्स को मुंबई की फिल्म सिटी में ही शूट किया गया था। फेमस साउथ अफ्रीकन स्टंट डायरेक्टर क्रेग मैकरे के साथ जॉन और शाहरुख खान ने अपनी स्टंट सीक्वल्स मुंबई में ही पूरी कर ली है। इन दोनों एक्टर्स के स्टंट्स के कुछ समय बाद ही फिल्म की एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने भी अपनी शूटिंग शुरू कर दी है और मुंबई की शूट लगभग खत्म हो चुकी है, पर कहा जा रहा है कि पूरी फिल्म की शूटिंग अभी बाकी है क्योंकि इस फिल्म की शूटिंग इंडिया तक ही सीमित नहीं है बल्कि विदेश में भी पठान की शूटिंग की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मुंबई में अपनी फिल्म पठान की शूट हो जाने के बाद फिल्म के मेकर्स एक्टर्स और क्रू को लेकर यूरोप जाएंगे जहाँ फिल्म की बाकी की शूटिंग पूरी की जाएगी। वैसे तो फिल्म के मेकर्स का कहना है कि जुलाई या अगस्त 2021 में वो यूरोप की शूटिंग करना चाहते हैं, पर कोविड-19 के लिए अभी ट्रेवल रेस्ट्रिक्शन की वजह से इस बात पर अभी कुछ पक्का नहीं हुआ है। फिल्म के मेकर्स का कहना है कि जैसे ही सिचुएशन में थोड़ा सुधार आता है वो अपनी टीम के साथ यूरोप जाएंगे और वहाँ जाकर पठान की रिमेनिंग शूटिंग खत्म करेंगे। जब से उनसे पूछा गया कि फिल्म की शूटिंग के लिए यूरोप जाने का फैसला क्यों लिया, तो उन्होंने कहा कि इस फिल्म को वो बहुत ही अनोखा बनाना चाहते हैं, इसलिए कुछ ऐसे स्पेसिफिक सीन्स के लिए स्पेसिफिक लोकेशंस को चुना। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बीते शनिवार को राज्य में सिनेमाघर को फिर से खोलने की अनाउंसमेंट की। इसके बाद से 2 दिनों में लगभग 20 फिल्म की रिलीज डेट सामने आ गई। बताते चले कि फिल्म मेकर्स ने 2022 की अगस्त तक की डेट्स को लॉक कर दिया है। अभी शाहरुख खान की फिल्म पठान और सलमान खान की टाइगर 3 की रिलीज डेट सामने नहीं आई है। हालांकि पूरी संभावना है कि दोनों फिल्में अगले साल 2022 के सेकेंड हाफ में रिलीज होंगी। पठान अक्टूबर में गांधी जयंती के आसपास रिलीज हो सकती है, जबकि टाइगर 3 दिवाली के मौके पर रिलीज हो सकती है। सलमान खान और कैटरीना कैफ टाइगर और जोया के किरदार में पठान में कैमियो करने वाले हैं, जबकि रिपोर्ट्स यहां तक बताते हैं कि फिल्म पठान की कहानी जहां खत्म होगी, फिल्म टाइगर 3 की वहीं से शुरू होगी। समझा जा रहा है कि इसी कारण यशराज फिल्म्स पहले पठान और उसके कुछ हफ्तों बाद टाइगर 3 को रिलीज करने की तैयारी में है। यदि इन सारे जोड़ घटाओं का हिसाब रखा जाए तब भी अगले साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के बाद 24 अक्टूबर दिवाली है, यानी दोनों फिल्में फेस्टिवल सीजन में ही रिलीज हो जाएंगी। सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म पठान में शाहरुख खान के अलावा दीपिका पादुकोण, जॉन अब्राहम और डिम्पल कपाड़िया हैं। वहीं मनीष शर्मा के डायरेक्शन में बनने वाली टाइगर 3 में सलमान खान के अलावा कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी हैं। ये दोनों फिल्में यशराज बैनर तले बन रही है। वेल दोस्तों, देखा जाए तो आने वाले समय में यशराज बैनर के अंडर और भी बहुत सी फिल्में आने वाली हैं, जिसके लिए सभी काफी एक्साइटेड है। लेकिन शाहरुख खान की पठान और सलमान खान की टाइगर 3 की तो बात ही अलग है। लंबे वक्त से इन दोनों फिल्मों का इंतजार हो रहा है। देखना होगा कि मेकर्स कब इस फिल्म की रिलीज डेट की अनाउंसमेंट करते हैं। वेल, आपको इस बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट। फिल्म इंडस्ट्री के दो बड़े खान सलमान खान और शाहरुख खान अपनी अपकमिंग फिल्मों को लेकर खास चर्चा में हैं। जहां शाहरुख खान फिल्म पठान के जरिए कमबैक करने जा रहे, तो वहीं सलमान खान अपनी टाइगर फ्रेंचाइजी की अगली किस्त यानी कि टाइगर 3 लेकर आ रहे हैं। दोनों ही खान के फैंस इन फिल्मों का बेसब्री से इंतजार करें। अब खबरें फिल्म की रिलीज से जुड़ी सामने आ रही है। हाल ही में खबर आई है कि सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म टाइगर 3 शाहरुख खान, जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान से पहले सिनेमा घर हिला सकती है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ऐसा इसलिए होगा ताकि टाइगर 3 में शाहरुख खान का फर्स्ट लुक दिखाया जा सके और पठान फिल्म की कहानी को बढ़ाया जा सके। टाइगर 3 में शाहरुख खान के कैमियो रोल की खबर ने एसआरके के फैंस को खासा एक्साइटेड कर दिया था। हालांकि मामला इससे एकदम उलट है। खबरों की माने तो सिनेमाघरों में टाइगर 3 नहीं बल्कि पठान पहले रिलीज होगी और शाहरुख खान की इस फिल्म में सलमान कैमियो रोल में नजर आएंगे। फिल्म के आखिरी में सलमान अपना टाइगर 3 लुक दिखाएंगे और फिर टाइगर 3 की भूमिका बांधेंगे। अभी ये तो वक्त ही बताएगी कि पहले फिल्म कौन सी रिलीज होगी, टाइगर 3 या फिर शाहरुख खान की कमबैक फिल्म पठान। बात करें दोनों फिल्मों की तो दोनों ही फिल्में यशराज बैनर तले बनाई जा रही है। जहां शाहरुख खान की फिल्म पठान में दीपिका और जॉन अब्राहम नजर आएंगे,
तो वहीं सलमान की फिल्म टाइगर 3 में कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी नजर आएंगे। वैसे आप किस फिल्म के लिए ज्यादा एक्साइटेड है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच, देखते रहे बॉलीग्राड स्टूडियोज। क्या रिएक्शन दिया दीपिका ने मूवी पठान को, क्या रहा जॉन अब्राहम का रिएक्शन एसआरके के शाउट आउट पर, क्या बोला एसआरके ने जॉन के बारे में। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग मूवी पठान को लेकर। दोस्तों जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि कई मूवीज अपने साथ एक नया ट्रेंड और एक नई गपशप लेकर जरूर आती है, जिसमें सब लोग अपनी दिलचस्पी दिखाते हैं, जहां देखो वहां उसी ही मूवी का चर्चा दिखाई देती है। ऐसे में ऑडियंस के साथ साथ इस मूवी पर सितारों के भी रिएक्शन सामने आने लगते हैं और वो भी इस मूवी के लिए फ्रीली अपने ओपिनियंस शेयर करने लगते हैं। ना दोस्तों, आज आपको एक ऐसी ही अपकमिंग मूवी को लेकर डिफरेंट स्टार्स के जो रिएक्शन आए हैं वो बताने जा रहे हैं। दोस्तों जिस मूवी की हम बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि वो है एसआरके की अपकमिंग मूवी पठान। पठान के बारे में अगर कुछ बेसिक बातें बताई जाए तो इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे सिद्धार्थ आनंद और ये मूवी यशराज फिल्म्स के बैनर के अंडर बनाई जा रही है। दोस्तों बता दें कि इस मूवी में स्टार कर रहे हैं एसआरके, जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण। ये एक विलन वर्सेस पुलिस मूवी होने वाली है और पठान मूवी को लेकर कई सितारों के रिएक्शन आ रहे हैं, जिसमें दोस्तों सबसे पहला रिएक्शन की बात करें तो वो रिएक्शन खुद ही फिल्म की मेन फीमेल लीड रोल दीपिका का है। जब पठान में एसआरके का फर्स्ट लुक आउट हुआ तो दीपिका ने उसे सोशल मीडिया पर काफी प्रेज करा था। इस मूवी की बात को लेकर एसआरके भी एक ऑनलाइन सेशन कर रहे थे, जहां पर एक फैन ने एसआरके पर ऐसे एक रैंडम क्वेश्चन पूछ लिया कि आजकल उनकी हेल्थ कैसी है, जिस पर एसआरके ने जॉन अब्राहम को एक शाउट आउट देकर कहा था कि जॉन से ज्यादा अच्छी हेल्थ नहीं है मेरी, पर मैं मैनेज कर रहा हूँ। इस पर जॉन का भी एक फनी रिएक्शन भरा आया दोस्तों, जिस पर दोस्तों वो इस बात पर हंस दिखे फैंस के सामने। पठान मूवी को लेकर सलमान खान का भी रिएक्शन सामने आया है, जहां पर उन्होंने एक छोटा सा जो रोल है पठान मूवी में उसके बारे में रिवील करा था और दोस्तों इस मूवी के सक्सेसफुल होने के लिए प्रे भी किया था। सक्सेसफुल एक्ट्रेस नयनतारा, जो कि एसआरके के साथ उनकी अजहर प्रोजेक्ट में वर्क करने जा रही हैं, उन्होंने इस मूवी को लेकर कई चर्चाएं करी और साथ ही साथ दोस्तों ये भी बताया कि ये भी कैसे एसआरके के साथ काम करने का प्लान कर रही हैं। तो फिलहाल पठान मूवी मेकिंग में है, जोरों शोरों पर है और दोस्तों इस मूवी की मेकिंग की जा रही है और इसके रिलीज डेट भी बहुत ही जल्द आउट होने वाली है। इस पर बोलता है ना क्राइम, धंधा बंद कर ले वरना सांस लेना भी मुश्किल करो। गुजरात की हवा में व्यापार है साहेब, मेरी सांस तो रोक लो लेकिन इस हवा को कैसे। ए पठान, हाँ भाई, इस मुंबई में अपुन के एड्रेस में पिन कोड ना हो तो भी। शाहरुख खान की आने वाली फिल्म पठान के लिए उन्होंने कितनी फीस चार्ज की? फिल्म के प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा और शाहरुख खान का आपसी रिश्ता कैसा है? पठान से कमाई गई प्रॉफिट के कितने परसेंट शेयर का हिस्सा होगा शाहरुख खान का? जानने हैं ऐसे मजेदार सवालों के जवाब तो वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपकी होस्ट कम दोस्त संविता पाठक और बॉलीवुड स्टूडियोज की फिल्मी दुनिया में करती हूं आपका स्वागत। दोस्तों बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में हाईएस्ट पेड एक्टर की बात की जाए तो सबसे पहला नाम अक्षय कुमार का आता है। अक्षय कुमार की फीस 130 करोड़ तक है और वही एकमात्र ऐसे बॉलीवुड एक्टर हैं जो 100 करोड़ से ज्यादा फीस चार्ज करते हैं अपनी फिल्मों के लिए। लेकिन पठान ने इस बात को गलत साबित कर दिया है। शाहरुख खान की आने वाली फिल्म पठान के लिए वो चार्ज कर रहे हैं पूरे 100 करोड़। ये शाहरुख खान की पहली फिल्म होगी जिसमें वो 100 करोड़ तक की फीस चार्ज कर रहे हैं। वैसे तो शाहरुख खान 55 से 60 करोड़ तक चार्ज करते हैं, लेकिन जीरो के फ्लॉप हो जाने के बाद पूरे 3 साल बाद कर रहे हैं बॉलीवुड के किंग खान सिल्वर स्क्रीन पर अपना कमबैक। ये फिल्म काफी धमाकेदार तरीके से बनाई जाने वाली है और उसका नाम का बजट भी काफी ज्यादा रखा गया है। ये फिल्म यशराज प्रोडक्शंस द्वारा प्रोड्यूस की जाएगी और इस फिल्म के प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा शाहरुख खान को देंगे पूरे 100 करोड़ फीस।
अक्षय कुमार के बाद शाहरुख खान पहले बॉलीवुड एक्टर होंगे जो 100 करोड़ चार्ज करेंगे। दोस्तों वैसे तो शाहरुख खान और आदित्य चोपड़ा का रिश्ता काफी गहरा है। दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं। शाहरुख खान ने यशराज फिल्म के साथ काफी दफा काम किया है और यही वजह है कि इनकी बॉन्डिंग इतनी गहरी हो गई है। शाहरुख खान ने अब तक यशराज फिल्म के साथ 49 फिल्मों में काम किया है। जी हाँ, सही सुना आपने, 49 फिल्मों में, जिनमें से दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, चक दे इंडिया, बाजीगर, कुछ कुछ होता है, बादशाह, दिल तो पागल है, मोहब्बतें, कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो, वीर जारा, मैं हूं ना, रब ने बना दी जोड़ी और ऐसी कई अनगिनत सुपरहिट फिल्में की हैं। ये लिस्ट इतनी लंबी है कि बोलते बोलते खत्म ही ना हो। यही वजह है कि आदित्य चोपड़ा और शाहरुख खान में इतना भाईचारा है। शाहरुख खान की लास्ट फिल्म जीरो यशराज फिल्म्स द्वारा ही प्रोड्यूस की गई थी और इसके प्रोड्यूसर भी आदित्य चोपड़ा ही थे। हालांकि वो फिल्म फ्लॉप हो गई, लेकिन पठान के साथ आदित्य चोपड़ा और शाहरुख खान दोनों ही करने वाले हैं जबरदस्त कमबैक। शाहरुख खान और आदित्य चोपड़ा की दोस्ती इतनी गहरी है कि यशराज प्रोडक्शन के साथ कोई फिल्म करने से पहले शाहरुख खान पैसों की बात ही नहीं करते। जब शाहरुख खान यशराज प्रोडक्शन की फिल्म में काम करते हैं तो उसमें फीस के साथ साथ उनका एक प्रॉफिट शेयर भी रहता है और फिल्म पठान में भी उनका 45% का प्रॉफिट शेयर होने वाला है। यानी कि फिल्म जितनी चलेगी शाहरुख खान की फीस इस प्रॉफिट शेयर की वजह से उतनी ही बढ़ती जाएगी। पठान के इंतजार में ऑडियंस बेकरार है और ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि किंग खान यशराज प्रोडक्शन के साथ कितना धमाकेदार कमबैक करने वाले हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतनी ही, मुलाकात होगी आपसे हमारे अगले वीडियो में। तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो शाहरुख खान ने मूवी पठान के लिए नया क्या नया सीख रहे हैं जॉन मूवी पठान के लिए, जो दीपिका हो रही हैं नर्वस मूवी पठान के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाले राज स्टूडियोज में, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति। दोस्तों किसी मूवी को स्टार्ट करने से पहले उस मूवी के स्टार्स को उस मूवी के कैरेक्टर में फिट बैठने के लिए बहुत ही सारी मेहनत और तैयारी करनी पड़ती है। किसी भी कैरेक्टर में फिट बैठना इतना आसान नहीं होता है, इसमें काफी एफर्ट्स और टाइम लगता है और हमें एज अ ऑडियंस उस एक्टर के एफर्ट और मेहनत को प्रेज करना चाहिए। तो जब आज हम आपको एक्टर्स की मेहनत की बात बता ही रहे हैं तो आइए आपको अपकमिंग फिल्म पठान के एक्टर्स कैसे इस मूवी को पूरी तरीके से सक्सेसफुल बनाने के लिए खुद की साइड से क्या क्या एफर्ट्स डाल रहे हैं वो आपको हितों हाथ बता देते हैं। तो मूवी पठान के बारे में अगर एक आइडिया दिया जाए तो इस मूवी डायरेक्ट कर रहे हैं सिद्धार्थ आनंद और ये मूवी यशराज फिल्म्स के बैनर के अंदर बनाई जा रही है। इस मूवी में स्टार कर रहे हैं एसआरके, जॉन इब्राहिम, दीपिका पादुकोण। ये एक विलन वर्सेस पुलिस मूवी होने वाली है। पठान की अभी से ही काफी फैन फॉलोइंग बन गई है और इसे काफी अच्छा सोशल बज भी मिल रहा है। शाहरुख खान पठान के सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर है। वैसे तो शाहरुख रोज जिमिंग करते हैं और काफी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी कैरी करते हैं, लेकिन हर कमबैक से पहले वे कोई ना कोई वर्कआउट या एक्सट्रीम डाइट से जरूर जाते हैं। शाहरुख अपनी डेली लाइफ में 4-5 आवर्स जिम और वर्कआउट को जरूर डेडिकेट करते हैं, लेकिन हर मूवी आने से पहले जिम टाइम थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, जो लगभग 5 आवर्स का हो जाता है। शाहरुख ने पठान मूवी के लिए अपने लुक को भी चेंज कर लिया है, जो कि उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करा था और लिखा था कि अब टाइम आ गया है अपनी बियर्ड को बाय बाय कहने का। शाहरुख वैसे तो काफी सिंपल डे स्पेंड करते हैं, पर अपनी फैमिली को टाइम देना उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले आता है। अगर जॉन इब्राहिम की बात की जाए तो वो पहले से ही जिमिंग के दीवाने रहे हैं। जॉन वर्कआउट करना काफी प्रेफर करते हैं और रोज वर्कआउट को अपना एक वैल्यूएबल टाइम देते हैं। मूवी पठान की अगर बात करें तो जॉन इस मूवी में उनका विलन का कैरेक्टर है, इसकी आदतें सीखने में काफी ध्यान डाला है। कैसे विलन का कैरेक्टर हंसेगा, उसके गुस्से वाला लुक कैसा होगा, ये सब चीज उन्होंने अपने अंदर अडॉप्ट करने के लिए काफी तरीके से शूट करते हुए टाइम को काफी नेचुरल लगने का कोशिश किया है। दीपिका ने अपने एक वर्कआउट रूटीन ओपन किया है। दीपिका ने ये बताया है कि वो पठान मूवी में कॉप का रोल प्ले कर रही और इसलिए वो खुद को परफेक्टली उस कैरेक्टर में मोल्ड करना चाहती है। दीपिका अपने डेली शेड्यूल में से कुछ टाइम जिम को जरूर देती हैं और वो कभी भी कुछ हेवी या एक्स्ट्रा कंज्यूम करना प्रेफर नहीं करती हैं। वे हमेशा बैलेंस डाइट लेती हैं जो कि उन्हें हेल्दी रखे। पठान मूवी के लिए दीपिका ने भी काफी स्टंट सीखने की कोशिश करी है और वे अभी इस मूवी के लिए खुद की एक्टिंग में काफी एफर्ट्स डाल रही है। पठान मूवी का कास्ट और क्रू सुबह जल्दी उठकर शूट में लग जाता है, क्योंकि ये मूवी फॉरेन में शूट हो रही है और इस वजह से मूवी को सही टाइम पर शूट करना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो फिलहाल हम करते हैं इस एपिक मूवी का
सिनेमा घरों में हिट करने का इंतजार। और इस फिल्म की रिलीज प्रोसेस में आगे क्या होता है और फिल्म से जुड़ी कई और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। फिलहाल आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताइएगा जरूर, क्योंकि हमें आपकी कमेंट्स का इंतजार रहेगा। सलमान और शाहरुख की जोड़ी ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन? क्या शाहरुख और दीपिका की ओम शांति ओम, चेन्नई एक्सप्रेस और हैप्पी न्यू ईयर जैसी ही फिल्म पठान भी होगी ब्लॉकबस्टर? क्या इस साल होगी शाहिद शाहरुख की फिल्म क्लैश? बॉलीग्राड स्टूडियोज में आपका स्वागत है, जहां आपको मिलेंगे सभी अनकही और अनसुनी बातें सबसे पहले। तो चलिए चलते हैं फिल्म पठान की ओर। पठान फिल्म को डायरेक्ट करने जा रहे हैं सिद्धार्थ आनंद और इस फिल्म का बजट होगा 250 से 280 करोड़ का और साथ ही इस फिल्म को आदित्य चोपड़ा करेंगे प्रोड्यूस। शाहरुख खान का फिल्म में मेन किरदार होगा और उनके साथ दीपिका पादुकोण उनकी लीड एक्ट्रेस भी होंगी। फिल्म में फिटेस्ट एक्टर ऑफ बॉलीवुड जॉन अब्राहम भी होंगे, जो एक विलन के रोल में होंगे। आपको बता दें एसआरके फिल्म में लंबे बालों में एक्शन करते हुए नजर आएंगे। फिल्म में शाहरुख के पिता की मौत जॉन अब्राहम की वजह से होगी, जिस कारण उनमें दुश्मनी हो जाएगी। ये फिल्म दीपिका और एसआरके की साथ में चौथी फिल्म होगी, जिस कारण फैंस काफी एक्साइटेड हैं। इस डुओ ने अपनी पिछली तीनों फिल्म से फैंस के दिल जीत लिए थे। अब शाहरुख खान के इस नए लुक से फैंस शॉक हो गए हैं, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद उनका ये ट्रांसफॉर्मेशन दर्शकों को देखने के लिए मिला है। वहीं एसआरके भी इस फिल्म को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि उनकी लास्ट फिल्म जीरो से वो अपने फैंस को खुश नहीं कर पाए थे। सोर्स के हिसाब से पठान की 60% शूट पूरी हो चुकी है और 40% बाकी है, जो कोरोना के सेकेंड वेव के कारण बंद है। सभी को पता है हर साल दिवाली की रिलीज एसआरके की होती है, बट दिस टाइम दिवाली में रिलीज होगी शाहिद की फिल्म जर्सी। ये होगी वायरफ की 50th एनिवर्सरी के मौके पर सिद्धार्थ आनंद की भेंट। साथ ही आनंद की दूसरी फिल्म रैम्बो की शूटिंग डिले की गई। सिद्धार्थ आनंद फिल्म पठान को लेके बहुत प्रोटेक्टिव पाए गए हैं, और तो और फिल्म की स्टोरी और बाकी पर्सनल चीजें शेयर करने के लिए भी तैयार नहीं है। बट ऑन द अदर साइड उन्होंने अनाउंस की कि दीपिका और जौहन की अपकमिंग फिल्म फाइटर। बात करें पठान की, तो फिल्म में शाहरुख एक सीक्रेट एजेंट के रोल निभाते नजर आएंगे। फैंस के लिए खास खबर ये भी है कि फिल्म में शाहरुख खान के साथ सलमान खान भी दिखाई देंगे। और आपको बता दें शाहरुख खान इस खास फिल्म के लिए 100 करोड़ चार्ज कर रहे हैं। एसआरके इस फिल्म के साथ 5 और फिल्म करने जा रहे हैं और ये होगी फैंस के लिए उनकी तरफ से दिवाली गिफ्ट एसआरके की बैक टू बैक फिल्म्स के साथ। बात करें पठान की, तो फिल्म की बची हुई 40% शूटिंग यूरोपियन कंट्रीज में होगी। फैंस के लिए हो सकती है ये बड़ी खबर, जहां शाहरुख कर सकते हैं डेब्यू साउथ के डायरेक्टर अतली के साथ। लास्ट लॉकडाउन से पहले अतली अपने स्क्रिप्ट सुनाने आए थे मुंबई चेन्नई से। पठान फिल्म में सलमान की स्पेशल एंट्री होगी, और क्या आप बता सकते हैं कि वो किस तरह से होगी? तो आपको बता दें कि भाईजान पहली बार हेलीकॉप्टर से एंट्री लेने वाले हैं। कोरोना से सुरक्षा के लिए फिल्म के सेट के सभी कामगारों को वैक्सीन और रहने की जगह प्रोडक्शन टीम की तरफ से होगी। दूसरी ओर फिल्म इंडस्ट्री में मांगी सीएम उद्धव ठाकरे से लॉकडाउन से छूट। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि सलमान खान की फिल्म पठान में स्पेशल अपीयरेंस उनकी फिल्म टाइगर जिंदा है के किरदार टाइगर के रूप में होगा। जी हाँ, और ये अपीयरेंस फिल्म में वैल्यू भी ऐड कर देगा। आदित्य चोपड़ा सलमान को उनके 10 दिन के कैमियो के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट देने जा रहे थे, मगर सलमान ने लेने से इनकार कर दिया और कहा शाहरुख मेरे भाई जैसा है, उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जब सलमान ने फीस लेने से मना कर दिया, तो आदित्य चोपड़ा ने उन्हें कोई कॉस्टली गिफ्ट देने का तय किया। और जब ये बात शाहरुख खान को पता चली, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए चार शब्द कहे, भाई तो भाई है। इस फिल्म का म्यूजिक कम्पोज करेंगे विशाल शेखर। आपको बता दें फिल्म की लास्ट शूटिंग 2 अप्रैल को की गई थी, जिसके बाद लॉकडाउन के कारण शूटिंग बंद हो गई। नाउ एज पर द सोर्स शूटिंग मिड जून से फिर शुरू हो सकती है, और टीम के आधे मेंबर्स की वैक्सीनेशन हो चुकी है और अब कुछ ही जन जिनकी भी जल्द हो जाएगी। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट 15 जून के बाद लॉकडाउन खत्म करेगी, इस उम्मीद में सारे हैं। जाते जाते आपको बता दें कि प्रभास की फिल्म सलार में भी हो सकती है जॉन अब्राहम की एंट्री। शाहरुख खान की पिछली फिल्म
फिल्म पठान में न्यू रोल करने। क्यों SRK ने बोला एक सेलिब्रिटी को थैंक यू। कहां पर हो रही है फिल्म पठान की शूटिंग। इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहे हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। दोस्तों, फिल्मों की दुनिया में कभी वो है SRK की अपकमिंग फिल्म पठान। पठान जल्द ही सिनेमा घरों को हिट करने वाली है। पठान मूवी में शाहरुख खान के साथ लीड रोल में नजर आएंगी दीपिका पादुकोण, साथ ही साथ इस मूवी में देखे जाएंगे जॉन अब्राहम भी। पठान मूवी को डायरेक्ट करेंगे सिद्धार्थ आनंद एंड ये मूवी यशराज फिल्म्स के बैनर के अंदर बनाई जा रही है। तो मूवी की स्टार कास्ट इतनी अच्छी है तो सोचिए ओवरऑल फिल्म का प्लॉट कितना गजब होने वाला है। मूवी पठान की शूटिंग अभी स्मूथली चल रही है। अभी स्टार्ट में सारे SRK के फाइटिंग एंड इंडिविजुअल सीन्स ही शूट कर रहे हैं। SRK ने अपने लुक का भी एक ग्लिम्स अपने फैंस को सोशल मीडिया पर दिया था, जिसको देख कर फैंस काफी ज्यादा खुश हुए हैं। लेकिन हाल ही में पठान के सेट से दिलचस्प खबर सामने आई है। पठान के सेट पर दस्तक दी है सलमान खान ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, सलमान खान पठान के सेट पर पहुंचे थे। कहा ये जा रहा है कि पठान मूवी में सलमान खान का एक छोटा सा कैमियो होगा। सलमान SRK के कोई पार्टनर या सपोर्टर की तरह मूवी में नजर आने वाले हैं। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि सलमान खान पठान के सेट पर पहुंचे थे, इस बात को खुद SRK ने रिवील किया है। उन्होंने सलमान को थैंक यू बोलते हुए एक मैसेज भी शेयर किया था। ये बात सुन के लोगों को काफी ज्यादा खुशी हुई कि फाइनली हमें सलमान खान और शाहरुख खान एक फिल्म में एक साथ दिखने वाले हैं। आपको बता दूं, पठान मूवी की ज्यादातर शूटिंग क्यों विशाल ददलानी ने बताया सुपर डुपर हिट। क्या यही वो फिल्म है जो धमाकेदार कमबैक करेगी शाहरुख का? क्या होने वाली है फिल्म की खास बातें? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनी कजियार। शाहरुख की पठान का जब से ऐलान हुआ है तभी से फिल्म लगातार चर्चाओं में है। फिल्म का बजट, फिल्म की कास्टिंग, फिल्म की शूटिंग से लेकर हर छोटी बड़ी खबर सामने आती रहती है और सुर्खियों में छा जाती है। दीपिका पादुकोण और शाहरुख की पठान से एक बार फिर से ऐसी ही खबर आ रही है जिससे फैंस खुशी के मारे उछल पड़ेंगे। दरअसल बुधवार को म्यूजिक डायरेक्टर विशाल ददलानी ने पठान को लेकर ट्वीट किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर फैंस के पोस्ट की बाढ़ उमड़ पड़ी। आपको बता दें, विशाल शेखर ने एक खबर को शेयर किया है जिसमें शाहरुख की पठान को लेकर जानकारी दी गई है। पठान में म्यूजिक डायरेक्टर की जोड़ी विशाल शेखर का नाम जुड़ चुका है। इस खबर में ये भी कहा गया है कि कैसे शाहरुख खान के लिए ये जोड़ी लकी है और फिल्म पठान के लिए सुपर हिट होने के चांस को बढ़ा रही है। इसी खबर को लेकर विशाल ददलानी ने रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा, पिछले कोई आंकड़े महत्व नहीं रखते, न ही आने वाले आंकड़े महत्व रखते हैं। खास बात यह है कि पूरी दुनिया शाहरुख खान को दोबारा देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है। ऐसे में हम इस शानदार फिल्म में बेहतरीन गानों पर काम कर रहे हैं और वाकई इस वक्त पूरी दुनिया लगातार शाहरुख का इंतजार कर रही है, क्योंकि 3 साल से बड़े पर्दे पर नहीं दिखे हैं शाहरुख। और वहीं विशाल ददलानी ने इस ट्वीट से यह भी कंफर्म कर दिया है कि वो इस फिल्म में काम कर रहे हैं। इससे पहले भी विशाल और शेखर की जोड़ी शाहरुख खान के लिए लकी चार्म साबित हुई है, जैसे कि चेन्नई एक्सप्रेस में 1, 2, 3, 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर वाला म्यूजिक हो गया, फिर रेडी स्टडी और हैप्पी न्यू ईयर में भी उन्होंने म्यूजिक दिया था। तो बहुत लकी चार्म माना जाता है शाहरुख खान के लिए। और हैप्पी न्यू ईयर की बात करें या चेन्नई एक्सप्रेस की, दोनों ही 200 की फिल्म निकली थी शाहरुख खान की। वैसे सिर्फ विशाल शेखर ही नहीं बल्कि पूरी जो भी मेकर्स है वो भी करियर बेस्ट फिल्म बनाने में जुटे हुए हैं शाहरुख खान की से, क्योंकि यशराज बैनर्स ने भी कहा है कि हम इस फिल्म को ऐसे बनाएंगे कि शाहरुख
शाहरुख खान ने मूवी पठान के लिए नया क्या नया सीख रहे हैं जॉन मूवी पठान के लिए, क्यों दीपिका हो रही हैं नर्वस मूवी पठान के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीवुड स्टूडियोज में, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति। दोस्तों किसी मूवी को स्टार्ट करने से पहले उस मूवी के स्टार्स को उस मूवी के कैरेक्टर में फिट बैठने के लिए बहुत ही सारी मेहनत और तैयारी करनी पड़ती है। किसी भी कैरेक्टर में फिट बैठना इतना आसान नहीं होता है, इसमें काफी एफर्ट्स और टाइम लगता है और हमें एज अ ऑडियंस उस एक्टर के एफर्ट और मेहनत को प्रेज करना चाहिए। तो जब आज हम आपको एक्टर्स की मेहनत की बात बता ही रहे हैं, तो आइए आपको अपकमिंग फिल्म पठान के एक्टर्स कैसे इस मूवी को पूरी तरीके से सक्सेसफुल बनाने के लिए खुद की साइड से क्या क्या एफर्ट्स डाल रहे हैं वो आपको ही तो हाथ बता देते हैं। तो मूवी पठान के बारे में अगर एक आइडिया दिया जाए तो इस मूवी डायरेक्ट कर रहे हैं सिद्धार्थ आनंद और ये मूवी यशराज फिल्म्स के बैनर के अंदर बनाई जा रही है। इस मूवी में स्टार कर रहे हैं एसआरके, जॉन इब्राहिम, दीपिका पादुकोण। ये एक विलन वर्सेस पुलिस मूवी होने वाली है। पठान की अभी से ही काफी फैन फॉलोइंग बन गई है और इसे काफी अच्छा सोशल बज भी मिल रहा है। शाहरुख खान पठान के सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर है। वैसे तो शाहरुख रोज जिमिंग करते हैं और काफी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी कैरी करते हैं, लेकिन हर कमबैक से पहले वे कोई ना कोई वर्कआउट या एक्सट्रीम डाइट से जरूर जाते हैं। शाहरुख अपनी डेली लाइफ में 4 to 5 hours जिम और वर्कआउट को जरूर डेडिकेट करते हैं, लेकिन हर मूवी आने से पहले जिम टाइम थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं जो लगभग 5 hours का हो जाता है। शाहरुख ने पठान मूवी के लिए अपने लुक को भी चेंज कर लिया है, जो कि उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करा था और लिखा था कि अब टाइम आ गया है अपनी बियर्ड को बाय बाय कहने का। शाहरुख वैसे तो काफी सिंपल डे स्पेंड करते हैं, पर अपनी फैमिली को टाइम देना उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे पहले आता है। अगर जॉन इब्राहिम की बात की जाए तो वो पहले से ही जिमिंग के दीवाने रहे हैं। जॉन वर्कआउट करना काफी प्रेफर करते हैं और रोज वर्कआउट को अपना एक वैल्यूएबल टाइम देते हैं। मूवी पठान की अगर बात करें तो जॉन इस मूवी में उनका विलन का कैरेक्टर है, इसकी आदतें सीखने में काफी ध्यान डाला है। कैसे विलन का कैरेक्टर हंसेगा, उसके गुस्से वाला लुक कैसा होगा, ये सब चीजें उन्होंने अपने अंदर अडॉप्ट करने के लिए काफी तरीके से शूट करते हुए टाइम को काफी नेचुरल लगने का कोशिश किया है। दीपिका ने अपने एक वर्कआउट रूटीन ओपन किया है। दीपिका ने ये बताया है कि वो पठान मूवी में कॉप का रोल प्ले कर रही और इसलिए वो खुद को परफेक्टली उस कैरेक्टर में मोल्ड करना चाहती है। दीपिका अपने डेली शेड्यूल में से कुछ टाइम जिम को जरूर देती हैं और वो कभी भी कुछ हेवी या एक्स्ट्रा कंज्यूम करना प्रेफर नहीं करती हैं। वे हमेशा बैलेंस डाइट लेती हैं जो कि उन्हें हेल्दी रखे। पठान मूवी के लिए दीपिका ने भी काफी स्टंट सीखने की कोशिश करी है और वे अभी इस मूवी के लिए खुद की एक्टिंग में काफी एफर्ट्स डाल रही हैं। पठान मूवी का कास्ट और क्रू सुबह जल्दी उठकर शूट में लग जाता है, क्योंकि ये मूवी फॉरेन में शूट हो रही है और इस वजह से मूवी को सही टाइम पर शूट करना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो फिलहाल हम करते हैं इस एपिक मूवी का सिनेमा घरों में हिट करने का इंतजार और इस फिल्म की रिलीज प्रोसेस में आगे क्या होता है और फिल्म से जुड़ी कई और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। फिलहाल आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताइएगा जरूर, क्योंकि सलमान और शाहरुख की जोड़ी ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन, क्या शाहरुख और दीपिका की ओम शांति ओम, चेन्नई एक्सप्रेस और हैप्पी न्यू ईयर जैसी ही फिल्म पठान भी होगी ब्लॉकबस्टर, क्या इस साल होगी शाहिद शाहरुख की फिल्म क्लैश। बॉलीवुड स्टूडियोज में आपका स्वागत है, जहां आपको मिलेंगे सभी अनकही और अनसुनी बातें सबसे पहले। तो चलिए चलते हैं फिल्म पठान की ओर। पठान फिल्म को डायरेक्ट करने जा रहे हैं सिद्धार्थ आनंद और इस फिल्म का बजट होगा 250 से 280 करोड़ का और साथ ही इस फिल्म को आदित्य चोपड़ा करेंगे प्रोड्यूस। शाहरुख खान का फिल्म में मेन किरदार होगा और उनके साथ दीपिका पादुकोण उनकी लीड एक्ट्रेस भी होंगी। फिल्म में फिटेस्ट एक्टर ऑफ बॉलीवुड जॉन इब्राहिम भी होंगे, जो एक विलन के रोल में होंगे। आपको बता दें एसआरके फिल्म में लंबे बालों में एक्शन करते हुए नजर आएंगे। फिल्म में शाहरुख के पिता की मौत जॉन इब्राहिम की वजह से होगी, जिस कारण उनमें दुश्मनी हो जाएगी। ये फिल्म दीपिका और एसआरके की साथ में चौथी फिल्म होगी, जिस कारण फैंस काफी एक्साइटेड हैं। इस डुओ ने अपनी पिछली तीनों फिल्म से फैंस के दिल जीत लिए थे। अब शाहरुख खान के इस नए लुक से फैंस शॉक हो गए हैं, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद उनका ये ट्रांसफॉर्मेशन दर्शकों को देखने के लिए मिला है। वहीं एसआरके भी इस फिल्म को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि उनकी लास्ट फिल्म जीरो से वो अपने फैंस को खुश नहीं कर पाए थे।
सोर्स के हिसाब से पठान की 60% शूट पूरी हो चुकी है और 40% बाकी है जो कोरोना के सेकेंड वेव के कारण बंद है। सभी को पता है हर साल दिवाली की रिलीज SRK की होती है, बट दिस टाइम दिवाली में रिलीज होगी शाहिद की फिल्म जर्सी। ये होगी YRF की 50th एनिवर्सरी के मौके पर सिद्धांत आनंद की भेंट। साथ ही आनंद की दूसरी फिल्म रैम्बो की शूटिंग डिले की गई। सिद्धार्थ आनंद फिल्म पठान को लेके बहुत प्रोटेक्टिव पाए गए हैं और तो और फिल्म की स्टोरी और बाकी पर्सनल चीजें शेयर करने के लिए भी तैयार नहीं है। बट ऑन द अदर साइड उन्होंने अनाउंस की कि दीपिका और जौहन की अपकमिंग फिल्म फाइटर। बात करें पठान की तो फिल्म में शाहरुख एक सीक्रेट एजेंट के रोल निभाते नजर आएंगे। फैंस के लिए खास खबर ये भी है कि फिल्म में शाहरुख खान के साथ सलमान खान भी दिखाई देंगे। और आपको बता दें शाहरुख खान इस खास फिल्म के लिए 100 करोड़ चार्ज कर रहे हैं। SRK इस फिल्म के साथ 5 और फिल्म करने जा रहे हैं और ये होगी फैंस के लिए उनकी तरफ से दिवाली गिफ्ट SRK की बैक टू बैक फिल्म्स के साथ। बात करें पठान की तो फिल्म की बची हुई 40% शूटिंग यूरोपियन कंट्रीज में होगी। फैंस के लिए हो सकती है ये बड़ी खबर जहां शाहरुख कर सकते हैं डेब्यू साउथ के डायरेक्टर अतली के साथ। लास्ट लॉकडाउन से पहले अतली अपने स्क्रिप्ट सुनाने आए थे मुंबई चेन्नई से। पठान फिल्म में सलमान की स्पेशल एंट्री होगी और क्या आप बता सकते हैं कि वो किस तरह से होगी? तो आपको बता दें कि भाईजान पहली बार हेलीकॉप्टर से एंट्री लेने वाले हैं। कोरोना से सुरक्षा के लिए फिल्म के सेट के सभी कामगारों को वैक्सीन और रहने की जगह प्रोडक्शन टीम की तरफ से होगी। दूसरी ओर फिल्म इंडस्ट्री में मांगी CM उद्धव ठाकरे से लॉकडाउन से छूट। आपको जानकर शायद हैरानी होगी सलमान खान की फिल्म पठान में स्पेशल अपीयरेंस उनकी फिल्म टाइगर जिंदा है के किरदार टाइगर के रूप में होगा। जी हाँ, और ये अपीयरेंस फिल्म में वैल्यू भी ऐड कर देगा। आदित्य चोपड़ा सलमान को उनके 10 दिन के कैमियो के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट देने जा रहे थे, मगर सलमान ने लेने से इनकार कर दिया और कहा शाहरुख मेरे भाई जैसा है, उनके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जब सलमान ने फीस लेने से मना कर दिया तो आदित्य चोपड़ा ने उन्हें कोई कॉस्टली गिफ्ट देने का तय किया। और जब ये बात शाहरुख खान को पता चली तो उन्होंने मुस्कुराते हुए 4 शब्द कहे, भाई तो भाई है। इस फिल्म का म्यूजिक कम्पोज करेंगे विशाल शेखर। आपको बता दें फिल्म की लास्ट शूटिंग 2 अप्रैल को की गई थी, जिसके बाद लॉकडाउन के कारण शूटिंग बंद हो गई। नाउ एज पर द सोर्स शूटिंग मिड जून से फिर शुरू हो सकती है और टीम के आधे मेंबर्स की वैक्सीनेशन हो चुकी है और अब कुछ ही जन जिनकी भी जल्द हो जाएगी। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट 15 जून के बाद लॉकडाउन खत्म करेगी, इस उम्मीद में सारे हैं। जाते जाते आपको बता दें कि प्रभास की फिल्म सलार में भी हो सकती है जॉन इब्राहिम की एंट्री। शाहरुख खान की पिछली फिल्म जीरो फैंस को खुश नहीं कर पाई। फिल्म इंडस्ट्री के दो बड़े खान सलमान खान और शाहरुख खान अपनी अपकमिंग फिल्मों को लेकर खास चर्चा में हैं। जहां शाहरुख खान फिल्म पठान के जरिए कमबैक करने जा रहे, तो वहीं सलमान खान अपनी टाइगर फ्रेंचाइजी की अगली किस्त यानी कि टाइगर 3 लेकर आ रहे हैं। दोनों ही खान के फैंस इन फिल्मों का बेसब्री से इंतजार करें। अब खबरें फिल्म की रिलीज से जुड़ी सामने आ रही है। हाल ही में खबर आई है कि सलमान खान और कैटरीना कैफ की फिल्म टाइगर 3 शाहरुख खान, जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान से पहले सिनेमा घर हिला सकती है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि ऐसा इसलिए होगा ताकि टाइगर 3 में शाहरुख खान का फर्स्ट लुक दिखाया जा सके और पठान फिल्म की कहानी को बढ़ाया जा सके। टाइगर 3 में शाहरुख खान के कैमियो रोल की खबर ने SRK के फैंस को खासा एक्साइटेड कर दिया था। हालांकि मामला इससे एकदम उलट है। खबरों की माने तो सिनेमाघरों में टाइगर 3 नहीं बल्कि पठान पहले रिलीज होगी और शाहरुख खान की इस फिल्म में सलमान कैमियो रोल में नजर आएंगे। फिल्म के आखिरी में सलमान अपना टाइगर 3 लुक दिखाएंगे और फिर टाइगर 3 की भूमिका बांधेंगे। अभी ये तो वक्त ही बताएगी कि पहले फिल्म कौन सी रिलीज होगी, टाइगर 3 या फिर शाहरुख खान की कमबैक फिल्म पठान। बात करें दोनों फिल्मों की तो दोनों ही फिल्में यशराज बैनर तले बनाई जा रही है। जहां शाहरुख खान की फिल्म पठान में दीपिका और जॉन अब्राहम नजर आएंगे, तो वहीं सलमान की फिल्म टाइगर 3 में कैटरीना कैफ और इमरान हाशमी नजर आएंगे। वैसे आप किस फिल्म के लिए ज्यादा एक्साइटेड है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच, देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज। धंधा बंद कर ले वरना सांस लेना भी मुश्किल करो। गुजरात की हवा में व्यापार है साहिब, मेरी सांस तो रोक लो लेकिन इस हवा को कैसे रोक। कब रिलीज होने जा रही है
में शाहरुख खान की पठान, आखिर शाहरुख के बेटे को क्यों किया गया है गिरफ्तार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीवुड राज स्टूडियोज, मैं हूं सुनीता जाल। दोस्तों, शाहरुख खान अपनी फिल्म पठान की शूटिंग में बिजी है, लेकिन इस बीच उनके लिए एक दुख भरी खबर सामने आई है। उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शनिवार की रात को मुंबई में कौटिल्या द एम्प्रेस नाम की एक क्रूज पर अचानक छापेमारी मारी। इस पार्टी में छापेमारी के दौरान अवैध ड्रग्स को एनसीबी ने जब्त कर लिया। इसके साथ ही 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसके बाद खबरें आ रही है कि हिरासत में जिन लोगों को लिया गया है उनमें से एक बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान का बेटा भी है, और ये खबर जो है वो कन्फर्म हो चुकी है। अभी शाहरुख खान का कोई भी रिएक्शन इस बारे में नहीं आया है, लेकिन एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान नजर आ रहे हैं। साथ ही अरबाज खान के बेटे का नाम भी इसमें शामिल बताया जा रहा है। देखना होगा कि किस तरह की कार्रवाई की जाती है। शाहरुख तो पठान की शूटिंग में इस वक्त बिजी है। वहीं दोस्तों, शाहरुख का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था बहुत सालों पहले कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा ड्रग्स करे, मेरा बेटा सेक्स करे, जो मैं अपनी उम्र में नहीं कर पाया वो सब करे। लेकिन अब जब ड्रग्स मामले में शाहरुख का बेटा फंसा है, ऐसे में जो ट्रोलर्स है वो जमकर शाहरुख खान को भी ट्रोल कर रहे हैं। कह रहे हैं कि तुम्हारी मन्नत पूरी हो गई, देखो तुम्हारे बेटे ने वो सब किया जो तुम चाहते थे। तो बहुत ज़्यादा इस वक्त शाहरुख खान भी ट्रोल हो रहे हैं। अब देखना होगा कि शाहरुख का रिएक्शन इस पर कब आता है और आगे क्या कार्रवाई की जाती है। आपको बता दें, शाहरुख खान की पठान की शूट चल रही है। दीपिका, जॉन अब्राहम सब कोई पहुंचा है। सलमान खान भी इस फिल्म में होने वाले हैं। अब देखना होगा कि कब तक ये फिल्म रिलीज होगी। वैसे टाइगर 3 से पहले ही इसे रिलीज किया जाना है। तो दोस्तों, आप कितना वेट। आखिर क्या रिएक्शन दिया दीपिका ने मूवी पठान को? क्या रहा जॉन अब्राहम का रिएक्शन एसआरके के शाउट आउट पर? क्या बोला एसआरके ने जॉन के बारे में? दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बॉलीग्राड स्टूडियोज में, और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग मूवी पठान को लेकर। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि कई मूवीज अपने साथ एक नया ट्रेंड और एक नई गपशप लेकर जरूर आती है, जिसमें सब लोग अपनी दिलचस्पी दिखाते हैं। जहां देखो वहां उसी ही मूवी का चर्चा दिखाई देती है। ऐसे में ऑडियंस के साथ साथ इस मूवी पर सितारों के भी रिएक्शन सामने आने लगते हैं, और वो भी इस मूवी के लिए फ्रीली अपने ओपिनियंस शेयर करने लगते हैं। ना दोस्तों, आज आपको एक ऐसी ही अपकमिंग मूवी को लेकर डिफरेंट स्टार्स के जो रिएक्शन आए हैं वो बताने जा रहे हैं। दोस्तों, जिस मूवी की हम बात कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि वो है एसआरके की अपकमिंग मूवी पठान। पठान के बारे में अगर कुछ बेसिक बातें बताई जाए तो इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे सिद्धार्थ आनंद, और ये मूवी यशराज फिल्म्स के बैनर के अंडर बनाई जा रही है। दोस्तों बता दें कि इस मूवी में स्टार कर रहे हैं एसआरके, जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण। ये एक विलन वर्सेस पुलिस मूवी होने वाली है, और पठान मूवी को लेकर कई सितारों के रिएक्शन आ रहे हैं, जिसमें दोस्तों सबसे पहला रिएक्शन की बात करें तो वो रिएक्शन खुद ही फिल्म की मेन फीमेल लीड रोल दीपिका का है। जब पठान में एसआरके का फर्स्ट लुक आउट हुआ तो दीपिका ने उसे सोशल मीडिया पर काफी क्रेज करा था। इस मूवी की बात को लेकर एसआरके भी एक ऑनलाइन सेशन कर रहे थे, जहां पर एक फैन ने एसआरके पर ऐसे ही एक रैंडम क्वेश्चन पूछ लिया कि आजकल उनकी हेल्थ कैसी है, जिस पर एसआरके ने जॉन अब्राहम को एक शाउट आउट देकर कहा था कि जॉन से ज्यादा अच्छी हेल्थ नहीं है मेरी, पर मैं मैनेज कर रहा हूँ। इस पर जॉन का भी एक फनी रिएक्शन भरा आया दोस्तों, जिस पर दोस्तों वो इस बात पर हंस दिखे फैंस के सामने। पठान मूवी को लेकर सलमान खान का भी रिएक्शन सामने आया है, जहां पर उन्होंने एक छोटा सा जो रोल है पठान मूवी में उसके बारे में रिवील करा था, और दोस्तों इस मूवी के सक्सेसफुल होने के लिए प्रे भी किया था। सक्सेसफुल एक्ट्रेस नयनतारा, जो कि एसआरके के साथ उनकी अजहर प्रोजेक्ट में वर्क करने जा रही हैं, उन्होंने इस मूवी को लेकर कई चर्चाएं करी है। साथ ही साथ दोस्तों ये भी बताया कि ये भी कैसे पठान की शूटिंग लोकेशंस क्या होने वाली है?
SRK की अपकमिंग फिल्म की शूटिंग कब शुरू होगी, क्यों चुना गया पठान की शूटिंग के लिए इतने अलग तरह के लोकेशंस। बॉलीवुड के फैंस तो अभी से ही दिल थामे हुए बैठे हैं, क्योंकि किंग खान की फिल्म पूरे 3 साल बाद आने वाली है। जीरो के बाद शाहरुख खान ने बड़ा लंबा इंतजार कराया, पर आखिरकार फैंस उन्हें देखने के लिए इतना तरस गए कि SRK ने पठान के साथ 3 साल बाद अपनी ऑडियंस और फैंस को खुश करने का फैसला लिया। शाहरुख खान की एक्शन थ्रिलर फिल्म आने वाली है, जो कि काफी ज्यादा हटके होगी। वैसे तो SRK बॉलीवुड के रोमांस किंग के नाम से जाने जाते हैं, पर इस बार उन्होंने एक एक्शन थ्रिलर करने का फैसला लिया है और इस फिल्म की शूटिंग के लिए जोरों शोरों से तैयारियां शुरू हो चुकी है। कहा जा रहा है कि शाहरुख खान और जॉन अब्राहम ने अप्रैल 2021 में अपने कुछ एक्शन सीक्वल्स की शूटिंग शुरू कर दी थी। इन एक्शन सीक्वल्स को मुंबई की फिल्म सिटी में ही शूट किया गया था। फेमस साउथ अफ्रीकन स्टंट डायरेक्टर ग्रेग मैकरे के साथ जॉन और शाहरुख खान ने अपनी स्टंट सीक्वल्स मुंबई में ही पूरी कर ली है। इन दोनों एक्टर्स के स्टंट्स के कुछ समय बाद ही फिल्म की एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने भी अपनी शूटिंग शुरू कर दी है और मुंबई की शूट लगभग खत्म हो चुकी है, पर कहा जा रहा है कि पूरी फिल्म की शूटिंग अभी बाकी है, क्योंकि इस फिल्म की शूटिंग इंडिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विदेश में भी पठान की शूटिंग की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, मुंबई में अपनी फिल्म पठान की शूट हो जाने के बाद फिल्म के मेकर्स एक्टर्स और क्रू को लेकर यूरोप जाएंगे, जहाँ फिल्म की बाकी की शूटिंग पूरी की जाएगी। वैसे तो फिल्म के मेकर्स का कहना है कि जुलाई या अगस्त 2021 में वो यूरोप की शूटिंग करना चाहते हैं, पर कोविड-19 के लिए अभी ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन की वजह से इस बात पर अभी कुछ पक्का नहीं हुआ है। फिल्म के मेकर्स का कहना है कि जैसे ही सिचुएशन में थोड़ा सुधार आता है, वो अपनी टीम के साथ यूरोप जाएंगे और वहाँ जाकर पठान की रिमेनिंग शूटिंग खत्म करेंगे। जब से उनसे पूछा गया कि फिल्म की शूटिंग के लिए यूरोप जाने का फैसला, धंधा बोलता है ना, क्राइम है, धंधा बंद कर ले वरना सांस लेना भी मुश्किल कर। गुजरात की हवा में व्यापार है साहेब, मेरी सांस तो रोक लो, लेकिन इस हवा को कैसे रोक। शाहरुख खान की आने वाली फिल्म पठान के लिए उन्होंने कितनी फीस चार्ज की? फिल्म के प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा और शाहरुख खान का आपसी रिश्ता कैसा है? पठान से कमाई गई प्रॉफिट के कितने परसेंट शेयर का हिस्सा होगा शाहरुख खान का? जानने हैं ऐसे मजेदार सवालों के जवाब, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आपकी होस्ट कम दोस्त अनविता पाठक और बॉलीवुड स्टूडियोज की फिल्मी दुनिया में करती हूं आपका स्वागत। दोस्तों, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में हाईएस्ट पेड एक्टर की बात की जाए तो सबसे पहला नाम अक्षय कुमार का आता है। अक्षय कुमार की फीस 130 करोड़ तक है और वही एकमात्र ऐसे बॉलीवुड एक्टर हैं जो 100 करोड़ से ज्यादा फीस चार्ज करते हैं अपनी फिल्मों के लिए। लेकिन पठान ने इस बात को गलत साबित कर दिया है। शाहरुख खान की आने वाली फिल्म पठान के लिए वो चार्ज कर रहे हैं पूरे 100 करोड़। ये शाहरुख खान की पहली फिल्म होगी जिसमें वो 100 करोड़ तक की फीस चार्ज कर रहे हैं। वैसे तो शाहरुख खान 55 से 60 करोड़ तक चार्ज करते हैं, लेकिन जीरो के फ्लॉप हो जाने के बाद पूरे 3 साल बाद कर रहे हैं बॉलीवुड के किंग खान सिल्वर स्क्रीन पर अपना कमबैक। ये फिल्म काफी धमाकेदार तरीके से बनाई जाने वाली है और उसका नाम का बजट भी काफी ज्यादा रखा गया है। ये फिल्म यशराज प्रोडक्शंस द्वारा प्रोड्यूस की जाएगी और इस फिल्म के प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा शाहरुख खान को देंगे पूरे 100 करोड़ फीस। अक्षय कुमार के बाद शाहरुख खान पहले बॉलीवुड एक्टर होंगे जो 100 करोड़ चार्ज करेंगे। दोस्तों, वैसे तो शाहरुख खान और आदित्य चोपड़ा का रिश्ता काफी गहरा है। दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक दूसरे को काफी समय से जानते हैं। शाहरुख खान ने यशराज फिल्म के साथ काफी दफा काम किया है और यही वजह है कि इनकी बॉन्डिंग इतनी गहरी हो गई है। शाहरुख खान ने अब तक यशराज फिल्म के साथ 49 फिल्मों में काम किया है। जी हाँ, सही सुना आपने, 49 फिल्मों में, जिनमें से दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, चक दे इंडिया, बाजीगर, कुछ कुछ होता है, बादशाह, दिल तो पागल है, मोहब्बतें, कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो, वीर जारा, मैं हूं ना, रब ने बना दी जोड़ी और ऐसी कई अनगिनत सुपरहिट फिल्में की हैं। ये लिस्ट इतनी लंबी है कि बोलते बोलते खत्म ही ना हो। यही वजह है कि आदित्य चोपड़ा और शाहरुख खान में इतना भाईचारा है।
शाहरुख खान की लास्ट फिल्म जीरो यशराज फिल्म्स द्वारा ही प्रोड्यूस की गई थी और इसके प्रोड्यूसर भी आदित्य चोपड़ा ही थे। हालांकि वो फिल्म फ्लॉप हो गई, लेकिन पठान के साथ आदित्य चोपड़ा और शाहरुख खान दोनों ही करने वाले हैं जबरदस्त कमबैक। शाहरुख खान और आदित्य चोपड़ा की दोस्ती इतनी गहरी है कि यशराज प्रोडक्शन के साथ कोई फिल्म करने से पहले शाहरुख खान पैसों की बात ही नहीं करते। जब शाहरुख खान यशराज प्रोडक्शंस की फिल्म में काम करते हैं तो उसमें फीस के साथ साथ उनका एक प्रॉफिट शेयर भी रहता है और फिल्म पठान में भी उनका 45% का प्रॉफिट शेयर होने वाला है। यानी कि फिल्म जितनी चलेगी शाहरुख खान की फीस इस प्रॉफिट शेयर की वजह से उतनी ही बढ़ती जाएगी। पठान के इंतजार में ऑडियंस बेकरार है और ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है कि किंग खान यशराज प्रोडक्शन के साथ कितना धमाकेदार कमबैक करने वाले हैं। धंधा बोलता है ना, क्राइम है वो। धंधा बंद कर ले वरना सांस लेना भी मुश्किल करो। गुजरात की हवा में व्यापार है साहेब, मेरी सांस तो रोक लो लेकिन इस हवा को कैसे। कब रिलीज होने जा रही है शाहरुख खान की पठान? आखिर शाहरुख के बेटे को क्यों किया गया है गिरफ्तार? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं हूं सनिका जाल। दोस्तों, शाहरुख खान अपनी फिल्म पठान की शूटिंग में बिजी है, लेकिन इस बीच उनके लिए एक दुख भरी खबर सामने आई है। उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शनिवार की रात को मुंबई में कौटिला द एम्प्रेस नाम की एक क्रूज पर अचानक छापेमारी मारी। इस पार्टी में छापेमारी के दौरान अवैध ड्रग्स को एनसीबी ने जब्त कर लिया। इसके साथ ही 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इसके बाद खबरें आ रही है कि हिरासत में जिन लोगों को लिया गया है उनमें से एक बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान का बेटा भी है और ये खबर जो है वो कंफर्म हो चुकी है। अभी शाहरुख खान का कोई भी रिएक्शन इस बारे में नहीं आया है, लेकिन एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान नजर आ रहे हैं। साथ ही अरबाज खान के बेटे का नाम भी इसमें शामिल बताया जा रहा है। देखना होगा कि किस तरह की कार्रवाई की जाती है। शाहरुख तो पठान की शूटिंग में इस वक्त बिजी है। वहीं दोस्तों, शाहरुख का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था बहुत सालों पहले कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा ड्रग्स करे, मेरा बेटा सेक्स करे, जो मैं अपनी उम्र में नहीं कर पाया वो सब करे। लेकिन अब जब ड्रग्स मामले में शाहरुख का बेटा फंसा है, ऐसे में जो ट्रोलर्स है वो जमकर शाहरुख खान को भी ट्रोल कर रहे हैं। कह रहे हैं कि तुम्हारी मन्नत पूरी हो गई, देखो तुम्हारे बेटे ने वो सब किया जो तुम चाहते थे। तो बहुत ज्यादा इस वक्त शाहरुख खान भी ट्रोल हो रहे हैं। अब देखना होगा कि शाहरुख का रिएक्शन इस पर कब आता है और आगे क्या कार्रवाई की जाती है। आपको बता दें, शाहरुख खान की पठान की शूट चल रही है। दीपिका सोशल मीडिया पर आए दिन स्टार्स छाए रहते हैं। कई बार बॉलीवुड सितारों को ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ता है तो कुछ उनका साथ भी देते हैं और खुलकर सोशल मीडिया पर सपोर्ट करते हैं। ठीक इसी तरह शाहरुख खान गुरुवार को ट्विटर पर ट्रोल्स के हत्थे चले। ट्विटर पर बायकॉट शाहरुख खान और पठान जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। शाहरुख खान के बहिष्कार की मांग का कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ा है, इसी वजह से कुछ ट्रोलर्स ने किंग खान की फिल्मों और उनका बहिष्कार करने की मांग की। हुआ यूं कि शाहरुख खान की एक पुरानी तस्वीर अचानक सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। इस तस्वीर में वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को देख यूजर्स भड़क गए और बायकॉट की मांग करने लगे। इसी गुस्से में यूजर ने शाहरुख खान की पठान को भी घसीटा और मांग की कि इस फिल्म को ना देखने और ना रिलीज करने की कोशिश करें। इस बीच सोशल मीडिया पर शाहरुख खान के समर्थन में उनके चाहने वाले भी आए और शाहरुख खान पर गर्व है ये हैशटैग करवाया। शाहरुख खान ने इस पूरे मामले में चुप्पी साधना सही समझा। फिलहाल शाहरुख खान ने इमरान खान के साथ वाली पुरानी तस्वीर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और ना ही ट्रोल्स को सफाई दिया। हाल ही में खबरें आई थी कि पाकिस्तान तालिबान की मदद कर रहा है। एक इंटरव्यू में तो इमरान ने तालिबान की मदद की सभी से अपील तक कर डाली। इस रुख के बाद भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है और भारतवासी इस वजह से खासा गुस्से में है। इस बीच शाहरुख खान की फोटो इमरान खान के साथ ट्रोलर शाहरुख खान को ट्रोल करने लगे। शाहरुख खान के फैंस भी इस बहस में कूदे। उन्होंने किंग खान का साथ दिया। उन्होंने कहा कि वो सभी शाहरुख खान से प्यार करते हैं और ये तस्वीर काफी पुरानी है जिसे बेवजह गलत समय पर निकाल कर भड़ास निकाली जा रही है। वेल, देखा जाए तो बात तो सही है, फोटो काफी पुरानी है और इस समय उसको लेकर आना बीच में ये गलत बात है। जो हो रहा है तालिबान में या पाकिस्तान जो कह रहे हैं वो सब गलत है और हमें अपनी तरफ से इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए। वेल, आप क्या कहते हैं इस बात?
क्यों है मूवी पठान बाकी मूवीज जैसी? किस वजह से पठान नहीं पसंद आई फैंस को? तो इस वजह से मूवी पठान को नहीं मिल रहा है बज़? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। दोस्तों, आजकल बॉलीवुड में वही मूवीज चलती है जिसमें कुछ क्रिएटिव एंड इनडिफरेंट होता है। अगर किसी मूवी में वही सेम स्टोरी एंड सेम कॉन्सेप्ट हो जो कि ऑडियंस ने काफी बार देखा हुआ है, तो वो ऐसी मूवीज को देखना अवॉइड करते हैं और उसका फीडबैक भी कुछ खास नहीं होता है। तो आज हम आपको एक ऐसी ही एक अपकमिंग मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको लोग कहीं ना कहीं शक की नज़र से देख रहे हैं कि वो मूवी फेमस होगी या नहीं। तो हम आपको उस मूवी के कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स के बारे में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जिस फिल्म के बारे में हम इतनी बातें कर रहे हैं वो है बॉलीवुड की अपकमिंग फिल्म पठान। पठान के बारे में अगर कोई रन डाउन दिया जाए तो इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं सिद्धार्थ आनंद एंड ये मूवी यशराज फिल्म्स के बैनर के अंदर बनाई जा रही है। इस मूवी में स्टार कर रहे हैं SRK, जॉन अब्राहम एंड दीपिका पादुकोण। ये एक विलन वर्सेस पुलिस मूवी होने वाली है। पठान मूवी का सबसे पहला फ्लॉ है कि ये मूवी वही ओल्ड कॉन्सेप्ट पर बनाई जा रही है जहां पर एक विलन होता है, एक सीक्रेट एजेंट होता है एंड फिर वो एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं। इस अपकमिंग फिल्म में शायद ही टिपिकल मूवीज के अलावा कोई नया कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलेगा जिसको शायद ही कोई आजकल के टाइम पर पसंद करे। आपको याद दिला दूं, पठान फिल्म का अनाउंसमेंट कई सालों पहले ही कर दिया गया था। जी हाँ, 2017 के एंड में ही फिल्म की अनाउंसमेंट कर दी गई थी और तब से लेकर अब तक ये फिल्म ओनली प्रोसेस में ही चल रही है, जिसकी वजह से फैंस इस मूवी में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाना पसंद कर रहे और करे भी कैसे, किसी फिल्म का इंतजार करने की भी एक सीमा होती है भाई। एंड अगर वो मूवी टाइम पर ड्रॉप ना हो तो निश्चित तौर पर फैंस नाराज होंगे ही। पठान मूवी का सबसे बड़ा ये भी एक ड्रॉबैक है कि इस मूवी में एक्शन जोनर को बैलेंस करने के लिए शायद ही कोई और जोनर हो। इस मूवी में स्टोरी को बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट रखा गया है जिसको देखकर शायद ही लोगों में कोई इमोशन, सस्पेंस या मिस्ट्री वाली फीलिंग आए। ये मूवी पहले से ही बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल साउंड कर रही है। जल्द ही फिल्म मेकर्स फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस करने वाले हैं। आप सभी की क्या राय है? शाहरुख खान क्यों है मूवी पठान बाकी मूवीज जैसी? किस वजह से पठान नहीं पसंद आई फैंस को? तो इस वजह से मूवी पठान को नहीं मिल रहा है बज़? इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। दोस्तों, आजकल बॉलीवुड में वही मूवीज चलती है जिसमें कुछ क्रिएटिव एंड इनडिफरेंट होता है। अगर किसी मूवी में वही सेम स्टोरी एंड सेम कॉन्सेप्ट हो जो कि ऑडियंस ने काफी बार देखा हुआ है, तो वो ऐसी मूवीज को देखना अवॉइड करते हैं और उसका फीडबैक भी कुछ खास नहीं होता है। तो आज हम आपको एक ऐसी ही एक अपकमिंग मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसको लोग कहीं ना कहीं शक की नज़र से देख रहे हैं कि वो मूवी फेमस होगी या नहीं। तो हम आपको उस मूवी के कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स के बारे में बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, जिस फिल्म के बारे में हम इतनी बातें कर रहे हैं वो है बॉलीवुड की अपकमिंग फिल्म पठान। पठान के बारे में अगर कोई रन डाउन दिया जाए तो इस मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं सिद्धार्थ आनंद एंड ये मूवी यशराज फिल्म्स के बैनर के अंदर बनाई जा रही है। इस मूवी में स्टार कर रहे हैं SRK, जॉन अब्राहम एंड दीपिका पादुकोण। ये एक विलन वर्सेस पुलिस मूवी होने वाली है। पठान मूवी का सबसे पहला फ्लॉ है कि ये मूवी वही ओल्ड कॉन्सेप्ट पर बनाई जा रही है जहां पर एक विलन होता है, एक सीक्रेट एजेंट होता है एंड फिर वो एक दूसरे के जान के दुश्मन बन जाते हैं। इस अपकमिंग फिल्म में शायद ही टिपिकल मूवीज के अलावा कोई नया कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलेगा जिसको शायद ही कोई आजकल के टाइम पर पसंद करे। आपको याद दिला दूं, पठान फिल्म का अनाउंसमेंट कई सालों पहले ही कर दिया गया था। जी हाँ, 2017 के एंड में ही फिल्म की अनाउंसमेंट कर दी गई थी और तब से लेकर अब तक ये फिल्म ओनली प्रोसेस में ही चल रही है, जिसकी वजह से फैंस इस मूवी में कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाना पसंद कर रहे और करे भी कैसे, किसी फिल्म का इंतजार करने की भी एक सीमा होती है भाई। एंड अगर वो मूवी टाइम पर ड्रॉप ना हो तो निश्चित तौर पर फैंस नाराज होंगे ही। पठान मूवी का सबसे बड़ा ये भी एक ड्रॉबैक है कि इस मूवी में एक्शन जोनर को बैलेंस करने के लिए शायद ही कोई और जोनर हो। इस मूवी में स्टोरी को बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट रखा गया है जिसको देखकर शायद ही लोगों में कोई इमोशन, सस्पेंस या मिस्ट्री वाली फीलिंग आए। ये मूवी पहले से ही बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल साउंड कर रही है। जल्द ही फिल्म मेकर्स फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस करने वाले हैं। आप सभी की क्या राय है शाहरुख खान की अपकमिंग फिल्म पठान को लेकर, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में आज के Thank you.
है फिल्म पठान में न्यू रोल करने, क्यों एसआरके ने बोला एक सेलिब्रिटी को थैंक यू, कहां पर हो रही है फिल्म पठान की शूटिंग, इन तमाम सवालों का जवाब मैं आपको दूंगी हमारे इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहें हमारे साथ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। दोस्तों, फिल्मों की दुनिया में कभी वो है एसआरके की अपकमिंग फिल्म पठान। पठान जल्द ही सिनेमा घरों को हिट करने वाली है। पठान मूवी में शाहरुख खान के साथ लीड रोल में नजर आएंगी दीपिका पादुकोण, साथ ही साथ इस मूवी में देखे जाएंगे जॉन अब्राहम भी। पठान मूवी को डायरेक्ट करेंगे सिद्धार्थ आनंद और ये मूवी यशराज फिल्म्स के बैनर के अंदर बनाई जा रही है। तो मूवी की स्टार कास्ट इतनी अच्छी है तो सोचिए ओवरऑल फिल्म का प्लॉट कितना गजब होने वाला है। मूवी पठान की शूटिंग अभी स्मूथली चल रही है। अभी स्टार्ट में सारे एसआरके के फाइटिंग एंड इंडिविजुअल सीन्स ही शूट कर रहे हैं। एसआरके ने अपने लुक का भी एक ग्लिम्स अपने फैंस को सोशल मीडिया पर दिया था, जिसको देख कर फैंस काफी ज्यादा खुश हुए हैं। लेकिन हाल ही में पठान के सेट से दिलचस्प खबर सामने आई है। पठान के सेट पर दस्तक दी है सलमान खान ने। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, सलमान खान पठान के सेट पर पहुंचे थे। कहा ये जा रहा है कि पठान मूवी में सलमान खान का एक छोटा सा कैमियो होगा। सलमान एसआरके के कोई पार्टनर या सपोर्टर की तरह मूवी में नजर आने वाले हैं। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि सलमान खान पठान के सेट पर पहुंचे थे, इस बात को खुद एसआरके ने रिवील किया है। उन्होंने सलमान को थैंक यू बोलते हुए एक मैसेज भी शेयर किया था। ये बात सुन के लोगों को काफी ज्यादा खुशी हुई कि फाइनली हमें सलमान खान और शाहरुख खान एक फिल्म में एक साथ दिखने वाले हैं। आपको बता दूं, पठान मूवी की ज्यादातर शूटिंग फॉरेन में करी जा रही है। बहुत गुजरात की हवा में व्यापार है साहिब, मेरी सांस तो रुक लो, लेकिन इस हवा को कैसे रोकोगे? है डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद का सपना आखिर क्यों एसआरके ने माना पठान करने के लिए? जॉन अब्राहम आखिर क्यों है नर्वस? नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज, में हूँ आपकी होस्ट पंखरी और आज की वीडियो का मजा लीजिए। तो जिस मूवी की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, वो है शाहरुख खान की अपकमिंग मूवी पठान। पठान मूवी का बज तो फैंस में अभी से ही दिखाई दे रहा है। पठान मूवी में शाहरुख खान के साथ लीड में दिखेंगे दीपिका पादुकोण, साथ ही साथ मूवी में दिखेंगे जॉन अब्राहम। तो अगर मूवी पठान की बात करें तो इसका बज 2018 से ही फैंस में है। इस मूवी की अनाउंसमेंट दरअसल काफी पहले कर दी जा चुकी थी, जबकि इसके मेन कास्ट में सिर्फ शाहरुख ही थे। जब इस मूवी की पूरी स्टार कास्ट डिसाइड हो गई, मूवी की शूटिंग शुरू हो गई। पठान मूवी में शाहरुख खान पर एक तरीके से थोड़ा सा प्रेशर है। इसकी वजह ये भी हो सकता है कि ये मूवी शाहरुख खान को ही दिमाग में रखकर लिखी गई है, इसीलिए लोगों का ये प्री इमेजिनेशन है कि शाहरुख इसमें अच्छा ही करेंगे। ये बात शाहरुख को थोड़ा डरा रही है कि वो अपने फैंस को कहीं दिल न तोड़ दे, पर फैंस को उन पर पूरा भरोसा है, वो शाहरुख को जरूर हर हाल में सपोर्ट करेंगे एंड पठान जैसी मूवी एसआरके के करियर को नेक्स्ट लेवल पर जरूर लेकर जाएगी। अब इस मूवी में आ जाते हैं जॉन पर। तो हमने पहले जॉन को रेस में देखा था नेगेटिव रोल करते हुए, और वो इस फिल्म में भी नेगेटिव रोल ही करने वाले हैं। जनता उन्हें सीरियसली नेगेटिव रोल करते देखना चाहती है, पर जॉन इस बात से थोड़ा एंशियस है कि वो ये रोल सही से कर पाएंगे या नहीं। तो इस पर भी फैंस ये कहते हैं कि जॉन के एक्टिंग स्किल्स पर उन्हें पूरा भरोसा है और वो जानते हैं कि वो इस मूवी में रॉक करेंगे। दीपिका भी फुल रेडी है इस मूवी में शाइन करने के लिए। उन्होंने इस मूवी को लेकर अपना एक्साइटमेंट शो किया है और साथ ही साथ ये भी बोला है कि वो जानती है कि जब तक उनके फैंस उनके साथ हैं, वो जरूर इस मूवी में सक्सेसफुल होंगी और इस मूवी को सक्सेसफुल होते हुए देख पाएंगी। पठान की एस्टिमेटेड कमाई भी काफी ज्यादा एक्सपेक्ट की जा रही है, जो कि इस मूवी के क्रू एंड कास्ट दोनों के लिए अच्छी बात है, क्योंकि आखिर ये मेहनत का तो नतीजा होगा। तो फिलहाल करते हैं इस मूवी के थिएटर्स में रिलीज का वेट और सपोर्ट करते रहते हैं अपने अपने फेवरेट एक्टर्स को। इस फिल्म की रिलीज प्रोसेस में आगे क्या होता है और फिल्म अम्मी जान कहती थी, कोई धंधा छोटा नहीं होता, धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता।
जो धंधे के लिए सही वो सही। क्या है स्टोरी मूवी पठान के नाम के पीछे? आखिर क्यों यही नाम रखा गया इस मूवी का? किस लिए इस मूवी का नाम सुनकर एक्साइटेड हो गए लोग? हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड स्टूडियोज, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति। दोस्तों, फिल्मों के नामों में एक बहुत ही डीप मीनिंग छुपा हुआ होता है। ये मूवीज अपने नाम से ही ऑडियंस के दिमाग में एक इम्पैक्ट छोड़ जाती है। वो कहते हैं ना, एक नाम ही काफी सारी चीजों की डेफिनेशन बन जाता है। वैसा ही एक पर्सपेक्टिव रखा जाता है मूवीज का नाम रखते टाइम। तो आइए आज हम आपको एक ऐसे ही अपकमिंग मूवी के नेम के हिस्ट्री और मिस्ट्री को बताते हैं। चूकिएगा मत, कॉज आप भी ये मिस्ट्री और हिस्ट्री सुनकर दंग रह जाएंगे। तो जिस मूवी की हम बात कर रहे हैं वो है मूवी पठान। एसआरके की मूवी पठान जल्द ही सिनेमा घरों को हिट करने वाली है। पठान मूवी में शाहरुख खान के साथ लीड में दिखेंगी दीपिका पादुकोण, साथ ही साथ इस मूवी में देखे जाएंगे जॉन अब्राहम। पठान मूवी को डायरेक्ट करेंगे सिद्धार्थ आनंद और ये मूवी यशराज फिल्म्स के बैनर के अंदर बनाई जा रही है। तो मूवी की स्टार कास्ट इतनी अच्छी है तो सोचिए ना, इस मूवी का प्लॉट तो और भी गजब होने वाला है। तो पठान मूवी का नाम काफी सोच समझ कर रखा गया है। मूवी पठान में शाहरुख और दीपिका एक एजेंट एंड कॉप का रोल प्ले कर रहे हैं। इस मूवी में जॉन अब्राहम एक रशियन माफिया के रोल में होंगे। एक्चुअली इस मूवी में ये चीज शो करी जा रही है जहां पर कैसे एक माफिया बिजनेस चलाते हैं उसको दिखाया जाएगा। इसमें कोई एक ऐसा एथनिक एंड हेवी एलिमेंट डालने के लिए नेम पठान दिया गया है इस मूवी को। पठान बेसिकली एक ऐसा टर्म है जो कि पश्तून एथनिक ग्रुप या फिर जो उसके डिसेंडेंट या उनको रेफर करने के लिए यूज किया जाता है। कहीं कहीं ये भी बात सामने आ रही है कि एसआरके एक सीक्रेट एजेंट बने हैं, इसलिए ये भी हो सकता है कि उनका सीक्रेट नेम जो कि मूवी में एजेंट्स का कॉलिंग नेम होता है वो इस मूवी में पठान हो। हाँ, पर ऐसा भी हो सकता है जो कि इंटरेस्टिंग साउंड करता है। आप लोगों को क्या लगता है? वैसे कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जॉन अब्राहम जो कि इस मूवी में एक माफिया है वो भी नेम पठान से शो करे जा सकते हैं। लेकिन इमेजिन किसी फिल्म में कोई स्ट्रॉन्ग विलन दिखाया जाए और उसका इतना पावरफुल नेम हो तो ये बात तो काफी कूल लगेगी। इस मूवी के राइटर ने ये मूवी काफी दिनों पहले ही गुजरात की हवा में व्यापार है साहेब, मेरी सांस तो रोक लो लेकिन इस हवा को कैसे। पठान है डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद का सपना? आखिर क्यों एसआरके ने माना पठान करने के लिए? जॉन अब्राहम आखिर क्यों है नर्वस? नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं हूं आपकी होस्ट पंखरी और आज की वीडियो का मजा लीजिए। तो जिस मूवी की हम बात कर रहे हैं दोस्तों वो है शाहरुख खान की अपकमिंग मूवी पठान। पठान मूवी का बज तो फैंस में अभी से ही दिखाई दे रहा है। पठान मूवी में शाहरुख खान के साथ लीड में दिखेंगे दीपिका पादुकोण, साथ ही साथ मूवी में दिखेंगे जॉन अब्राहम। तो अगर मूवी पठान की बात करें तो इसका बज 2018 से ही फैंस में है। इस मूवी की अनाउंसमेंट दरअसल काफी पहले कर दी जा चुकी थी जबकि इसके मेन कास्ट में सिर्फ शाहरुख ही थे। जब इस मूवी की पूरी स्टार कास्ट डिसाइड हो गई, मूवी की शूटिंग शुरू हो गई। पठान मूवी में शाहरुख खान पर एक तरीके से थोड़ा सा प्रेशर है। इसकी वजह ये भी हो सकता है कि ये मूवी शाहरुख खान को ही दिमाग में रखकर लिखी गई है, इसीलिए लोगों का ये प्री इमेजिनेशन है कि शाहरुख इसमें अच्छा ही करेंगे। ये बात शाहरुख को थोड़ा डरा रही है कि वो अपने फैंस को कहीं दिल न तोड़ दे, पर फैंस को उन पर पूरा भरोसा है, वो शाहरुख को जरूर हर हाल में सपोर्ट करेंगे एंड पठान जैसी मूवी एसआरके के करियर को नेक्स्ट लेवल पर जरूर लेकर जाएगी। अब इस मूवी में आ जाते हैं जॉन पर। तो हमने पहले जॉन को रेस में देखा था नेगेटिव रोल करते हुए और वो इस फिल्म में भी नेगेटिव रोल ही करने वाले हैं। जनता उन्हें सीरियस से नेगेटिव रोल करते देखना चाहती है, पर जॉन इस बात से थोड़ा एंशियस है कि वो ये रोल सही से कर पाएंगे या नहीं। तो इस पर भी फैंस ये कहते हैं कि जॉन के एक्टिंग स्किल्स पर उन्हें पूरा भरोसा है और वो जानते हैं कि वो इस मूवी में रॉक करेंगे। दीपिका भी फुल रेडी हैं इस मूवी में शाइन करने के लिए। उन्होंने इस मूवी को लेकर अपना एक्साइटमेंट शो किया है और साथ ही साथ ये भी बोला है कि वो जानते हैं कि जब तक उनके फैंस उनके साथ हैं वो जरूर इस मूवी में सक्सेसफुल होंगी और इस मूवी को सक्सेसफुल होते हुए देख पाएंगे। पठान की एस्टिमेटेड कमाई भी काफी ज्यादा एक्सपेक्ट की जा रही है जो कि इस मूवी के क्रू एंड कास्ट दोनों के लिए अच्छी बात है क्योंकि आखिर ये मेहनत का तो नतीजा होगा। तो फिलहाल करते हैं इस मूवी के थिएटर में रिलीज का वेट और सपोर्ट करते रहते हैं अपने अपने फेवरेट एक्टर्स को। इस फिल्म की रिलीज प्रोसेस में आगे क्या होता है और फिल्म से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए अम्मी जान कहती थी, कोई धंधा छोटा नहीं होता, धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता।
जो धंधे के लिए सही वो सही। क्या है स्टोरी मूवी पठान के नाम के पीछे? आखिर क्यों यही नाम रखा गया इस मूवी का? किस लिए इस मूवी का नाम सुनकर एक्साइटेड हो गए लोग? हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड स्टूडियोज, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति। दोस्तों, फिल्मों के नामों में एक बहुत ही डीप मीनिंग छुपा हुआ होता है। ये मूवीज अपने नाम से ही ऑडियंस के दिमाग में एक इम्पैक्ट छोड़ जाती है। वो कहते हैं ना, एक नाम ही काफी सारी चीजों की डेफिनेशन बन जाता है। वैसा ही एक प्रस्पेक्टिव रखा जाता है मूवीज का नाम रखते टाइम। तो आइए आज हम आपको एक ऐसे ही अपकमिंग मूवी के नेम के हिस्ट्री और मिस्ट्री को बताते हैं। चूकिएगा मत, कॉज आप भी ये मिस्ट्री और हिस्ट्री सुनकर दंग रह जाएंगे। तो जिस मूवी की हम बात कर रहे हैं वो है मूवी पठान। एसआरके की मूवी पठान जल्द ही सिनेमा घरों को हिट करने वाली है। पठान मूवी में शाहरुख खान के साथ लीड में दिखेंगी दीपिका पादुकोण, साथ ही साथ इस मूवी में देखे जाएंगे जॉन अब्राहम। पठान मूवी को डायरेक्ट करेंगे सिद्धार्थ आनंद और ये मूवी यश राज फिल्म्स के बैनर के अंदर बनाई जा रही है। तो मूवी की स्टार कास्ट इतनी अच्छी है तो सोचिए ना, इस मूवी का प्लॉट तो और भी गजब होने वाला है। तो पठान मूवी का नाम काफी सोच समझ कर रखा गया है। मूवी पठान में शाहरुख और दीपिका एक एजेंट एंड कॉप का रोल प्ले कर रहे हैं। इस मूवी में जॉन अब्राहम एक रशियन माफिया के रोल में होंगे। एक्चुअली इस मूवी में ये चीज शो करी जा रही है जहां पर कैसे एक माफिया बिजनेस चलाते हैं उसको दिखाया जाएगा। इसमें कोई एक ऐसा एथनिक एंड हेवी एलिमेंट डालने के लिए नेम पठान दिया गया है इस मूवी को। पठान बेसिकली एक ऐसा टर्म है जो कि पश्तून एथनिक ग्रुप या फिर जो उसके डिसेंडेंट या उनको रेफर करने के लिए यूज किया जाता है। कहीं कहीं ये भी बात सामने आ रही है कि एसआरके एक सीक्रेट एजेंट बने हैं, इसलिए ये भी हो सकता है कि उनका सीक्रेट नेम जो कि मूवी में एजेंट्स का कॉलिंग नेम होता है वो इस मूवी में पठान हो। हाँ, पर ऐसा भी हो सकता है जो कि इंटरेस्टिंग साउंड करता है। आप लोगों को क्या लगता है? वैसे कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जॉन अब्राहम जो कि इस मूवी में एक माफिया है वो भी नेम पठान से शो करे जा सकते हैं। लेकिन इमेजिन किसी फिल्म में कोई स्ट्रॉन्ग विलन दिखाया जाए और उसका इतना पावरफुल नेम हो तो ये बात तो काफी कूल लगेगी। इस मूवी के राइटर ने ये मूवी काफी दिनों पहले ही लिखी थी। और क्या बात है डॉक्टर साहब, तबीयत तो ठीक है ना? क्यों मूवी पठान दे सकती है इंडस्ट्री को एक सीख? किस लिए मूवी पठान को माना जा रहा है सिग्निफिकेंट? आखिर किस वजह से मिल रहा है मूवी पठान को प्री बस? दोस्तों, कभी कभी ना इस फिल्म इंडस्ट्री में सडनली कोई ऐसी मूवी आ जाती है जिसे हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते। ये मूवी कुछ ऐसा मैजिक करके लोगों पर छा जाती है कि उस मैजिक का नशा लोगों के दिमाग से नहीं उतरता। ऐसी मूवी की डिमांड ही आजकल इंडस्ट्री में बढ़ती जा रही है, पर ऐसी मूवीज देखने के लिए कम ही मिल रहा है। पर ये फिल्म इंडस्ट्री टाइम पर अपनी गलती सुधारना जानती है, इसलिए ही अब ये इंडस्ट्री सोच सोच कर नए नए आइडियाज ला रही है एंड ऐसी मैजिकल फिल्में बना रही है। तो आइए आज हम भी आपको एक ऐसी ही मूवी के बारे में बता देते हैं जिसे लोगों को इंस्पिरेशन लेनी चाहिए एंड उस मूवी जैसी मैजिकल मूवी बनाने की अप्रोच रखनी चाहिए। तो जिस मूवी का हम लोग गुणगान कर रहे हैं वो है मूवी पठान। जी हाँ, सही सुना, शाहरुख खान की फेमस मूवी पठान जो जल्दी सिनेमा घरों को हिट करने वाली है। पठान मूवी में शाहरुख खान के साथ लीड में दिखेंगी दीपिका पादुकोण, साथ ही साथ इस मूवी में देखे जाएंगे जॉन अब्राहम। पठान मूवी को डायरेक्ट करेंगे सिद्धार्थ आनंद एंड ये मूवी यशराज फिल्म्स के बैनर के अंडर बनाई जा रही है। बता दें, मूवी की स्टार कास्ट ही इतनी अच्छी है तो सोचिए इस मूवी का प्लॉट तो और भी गजब होने वाला है। पठान मूवी इसलिए इंडस्ट्री की नीड बन गई है क्योंकि इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी डिफरेंट रखी जा रही है। ये मूवी एक पुलिस वर्सेस क्राइम मूवी जरूर है, लेकिन उन सभी प्लेन बॉलीवुड मूवीज की तरह नहीं जिनमें सीधी स्टोरी के बाद सिर्फ एंडिंग पर फोकस किया जाता है। ऐसी मूवीज बहुत ही ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो जाती है जिसमें ऑडियंस अपना इंटरेस्ट खो देते हैं। ये गलती पठान में दूर दूर तक नहीं की गई है, इसलिए पठान फिल्म के इतने सारे फैंस उसके रिलीज से पहले ही बन गए हैं। पठान मूवी एक और मायनों में दमदार है जो कि एक स्ट्रांग एक्टिंग टीम। भले ही एक्शन मूवीज की स्क्रिप्ट बड़ी ही स्ट्रांग हो, लेकिन सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है कि किसको इस मूवी में कास्ट किया जा रहा है, किसके रोल में। यहाँ लोगों को पठान मूवी से सीख लेनी चाहिए जहाँ पर कास्टिंग टू द पॉइंट की गई है। सभी तो इस बात को लेकर एक्साइटेड है कि वो जॉन अब्राहम को दोबारा नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करता हुआ देखेंगे जो कि काफी इंटरेस्टिंग होगा। क्या बात है डॉक्टर साहब, तबीयत तो ठीक है ना?
संभाल कर रही थी। क्यों मूवी पठान दे सकती है इंडस्ट्री को एक सीख कि सीए मूवी पठान को माना जा रहा है सिग्निफिकेंट, आखिर किस वजह से मिल रहा है मूवी पठान को प्री बस। दोस्तों कभी कभी ना इस फिल्म इंडस्ट्री में सडनली कोई ऐसी मूवी आ जाती है जिसे हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते। ये मूवी कुछ ऐसा मैजिक करके लोगों पर छा जाती है कि उस मैजिक का नशा लोगों के दिमाग से नहीं उतरता। ऐसी मूवी की डिमांड ही आजकल इंडस्ट्री में बढ़ती जा रही है, पर ऐसी मूवीज देखने के लिए कम ही मिल रहा है। पर ये फिल्म इंडस्ट्री टाइम पर अपनी गलती सुधारना जानती है, इसलिए ही अब ये इंडस्ट्री सोच कर नए आइडियाज ला रही है एंड ऐसी मैजिकल फिल्में बना रही है। तो आइए आज हम भी आपको एक ऐसी ही मूवी के बारे में बता देते हैं जिसे लोगों को इंस्पिरेशन लेनी चाहिए एंड उस मूवी जैसी मैजिकल मूवी बनाने की अप्रोच रखनी चाहिए। तो जिस मूवी का हम लोग गुणगान कर रहे हैं वो है मूवी पठान। जी हाँ, सही सुना, शाहरुख खान की फेमस मूवी पठान जो जल्दी सिनेमा घरों को हिट करने वाली है। पठान मूवी में शाहरुख खान के साथ लीड में दिखेंगी दीपिका पादुकोण, साथ ही साथ इस मूवी में देखे जाएंगे जॉन इब्राहिम। पठान मूवी को डायरेक्ट करेंगे सिद्धार्थ आनंद एंड ये मूवी यशराज फिल्म्स के बैनर के अंडर बनाई जा रही है। बता दें मूवी की स्टार कास्ट ही इतनी अच्छी है तो सोचिए इस मूवी का प्लॉट तो और भी गजब होने वाला है। पठान मूवी इसलिए इंडस्ट्री की नीड बन गई है क्योंकि इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी डिफरेंट रखी जा रही है। ये मूवी एक पुलिस वर्सेस क्राइम मूवी जरूर है लेकिन उन सभी प्लेन बॉलीवुड मूवीज की तरह नहीं जिनमें सीधी स्टोरी के बाद सिर्फ एंडिंग पर फोकस किया जाता है। ऐसी मूवीज बहुत ही ज्यादा प्रिडिक्टेबल हो जाती है जिसमें ऑडियंस अपना इंटरेस्ट खो देते हैं। ये गलती पठान में दूर दूर तक नहीं की गई है, इसलिए पठान फिल्म के इतने सारे फैंस उसके रिलीज से पहले ही बन गए हैं। पठान मूवी एक और मायनों में दमदार है जो कि एक स्ट्रांग एक्टिंग टीम। भले ही एक्शन मूवीज की स्क्रिप्ट बड़ी ही स्ट्रांग हो लेकिन सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है कि किसको इस मूवी में कास्ट किया जा रहा है, किसके रोल में। यहाँ लोगों को पठान मूवी से सीख लेनी चाहिए जहाँ पर कास्टिंग टू द पॉइंट की गई है। सभी तो इस बात को लेकर एक्साइटेड है कि वो जॉन इब्राहिम को दोबारा नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करता हुआ देखेंगे जो कि काफी इंटरेस्टिंग होगा। इस मूवी के कुछ सिग्निफिकेंट पार्ट भी स्पेन अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता, धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जो धंधे के लिए सही वो सही। तू तो धंधा बोलता है ना, क्राइम। क्या पठान में जॉन बनने वाले हैं खूंखार विलेन? क्या रोल होने वाला है इस फिल्म में उनका? क्या होने वाली है फिल्म की खास बातें? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं सोनिका जैन। दोस्तों शाहरुख खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म पठान में जॉन इब्राहिम नेगेटिव रोल में नजर आने वाले हैं, ये तो पहले से ही साफ हो चुका है। लेकिन अब उनके किरदार को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। पठान एक्शन से लगकर फिल्म है, धमाकेदार एक्शन होने वाला है जिसके लिए शाहरुख खान भी नए लुक में दिख रहे हैं। ये पहला मौका होगा जब बड़े पर्दे पर शाहरुख के सामने जॉन अब्राहम होंगे और दोनों भिड़ते हुए नजर आएंगे। ऐसे में जॉन के किरदार को लेकर एक डिटेल सामने आई है। आपको बता दें इसमें वो एक अंडरकवर आतंकवादी की भूमिका में निभाएंगे और बॉलीवुड हंगामे की रिपोर्ट ही माने तो जॉन अब्राहम इस फिल्म में ऐसे किरदार में दिखेंगे जिसके लिए पैसा सब कुछ है। वो पैसा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। वो किसी देश या धर्म का नहीं है, उसको सिर्फ एक चीज समझ में आती है, वो है पैसा। पठान में जॉन अब्राहम का किरदार रूसी माफिया के लिए काम करता है जो भारत के लिए बंदूक का रैकेट चलाता है। इसी रैकेट को लेकर शाहरुख खान पठान में एक मिशन पर निकलते हैं और यहाँ पर जॉन के जो किरदार है उसका वजन अपने आप में बहुत ज्यादा है और बहुत ही मेहनत कर रहे हैं जॉन इस फिल्म के लिए। वहीं वो कई बार बॉडी के साथ भी नजर आ चुके हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर लगातार अपनी जो तस्वीरें हैं वो शेयर की हैं। ऐसे में शाहरुख खान और जॉन के बीच काफी जबरदस्त एक्शन सीन देखने को मिल सकता है जो कि फिल्म की एक बड़ी हाईलाइट होगी। वैसे हाईलाइट तो टाइगर यानी कि सलमान खान की एंट्री भी इस फिल्म में है और बड़ा इंतजार रहेगा जब सल्लू इस फिल्म में एंट्री करेंगे। दूसरी तरफ
पठान में जो इनका कैमियो होने वाला है सलमान खान का, वो पूरे 20 मिनट का होगा, यानी कि अच्छा खासा रोल होगा और एक्सटेंडेड कैमियो होगा। फिल्म जैसे कि रॉ एजेंट्स की कहानी है, और जब ये रॉ एजेंट्स फंस जाते हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, तब जाके सलमान खान की एंट्री होगी और वो अपने टाइगर वाले रोल में नजर आएंगे। ये फिल्म टाइगर 3 से डायरेक्टली कनेक्टेड है, यानी कि पठान जहाँ खत्म होगी वहीं से टाइगर 3 शुरू होगी। यशराज फिल्म्स ने एक स्पाई यूनिवर्स तैयार किए हैं जिसमें कि वॉर और टाइगर और अब पठान जुड़ चुकी है, तो धमाकेदार होने वाली है दोस्तों पठान। इसमें दीपिका पादुकोण भी आपको नजर आएंगी, जो कि लगातार धमाकेदार एक्शन करती हुई नजर आएंगी। बहुत ही अलग तरह का रोल इस फिल्म में उन्हें मिला है। तो दोस्तों आप कितना वेट कर रहे हैं पठान का, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अम्मी जान कहती थी, कोई धंधा छोटा नहीं होता, धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जो धंधे के लिए सही वो सही। दीपिका पादुकोण की पठान, दीपिका के नए बंगले की कीमत जानकर आप कैसे चौंक जाएंगे, क्या होने वाली है पठान की खास बातें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज, मैं हूं सोनिका जयाल। दोस्तों दीपिका पादुकोण आज किन बुलंदियों पर है इसके बारे में आप सभी जानते हैं। जब से दीपिका और रणवीर सिंह की शादी हुई है तब से वो और भी ज्यादा आगे बढ़ती ही जा रही है। दोनों आए दिन कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं और अब दोनों ने एक प्रॉपर्टी खरीदी है जिसकी कीमत जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। आपको बता दें दीपिका पादुकोण की अपकमिंग फिल्म है पठान, जिसकी शूटिंग में अभी वो फिलहाल बिजी है, लेकिन इसी बीच खबर आई कि उन्होंने एक प्रॉपर्टी ले ली। और इस प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो ये मुंबई से कुछ दूर अलीबाग में है। बताया जा रहा है कि ये शानदार प्रॉपर्टी दीपिका और रणवीर का हॉलीडे होम है, और इस प्रॉपर्टी के लिए दीपिका रणवीर ने इतनी ज्यादा कीमत चुकाई है कि सब हैरान रह गए हैं। एक न्यूज पोर्टल की माने तो शानदार प्रॉपर्टी के लिए रणवीर और दीपिका ने पूरे 22 करोड़ रुपए दिए हैं। इसके अलावा इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री 1,32,00,000 में की गई है। बताया जा रहा है कि इस बंगले में 5 बेडरूम है और 9,000 एकड़ में ये इलाका फैला हुआ है माप गांव में, जो कि अलीबाग में है। इस प्रॉपर्टी को रणवीर और दीपिका की कंपनी RS वर्ल्डवाइड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और KA एंटरप्राइजेस LLP ने खरीदा है। इससे पहले पिछले महीने खबर आई थी कि दीपिका ने अपने होम टाउन बेंगलुरु में भी एक महंगा अपार्टमेंट खरीदा है। ये बिल्डिंग अभी बन ही रही है। अभी दीपिका और रणवीर मुंबई के प्रभा देवी इलाके में रह रहे हैं। इस 4 BHK फ्लैट को दीपिका ने 2010 में खरीदा था। 2018 में रणवीर से शादी के बाद दोनों इसमें शिफ्ट हो गए थे। वर्क फ्रेंड की बात करें तो रणवीर और दीपिका अब अपनी अगली फिल्म 83 में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में रणवीर पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव की भूमिका निभाने वाले हैं। वहीं आपको बता दें पठान में दीपिका के बहुत ज्यादा एक्शन सीन्स होने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा खतरनाक ये फिल्म होने वाली है, और बहुत टाइम बाद शाहरुख और दीपिका एक बार फिर से पर्दे पर दिखेंगी। ओम शांति ओम और हैप्पी न्यू ईयर जैसी फिल्मों में हमने इन्हें देखा है, और जब भी ये पर्दे पर आते हैं एक अलग ही जादू बिखेर देते हैं, तो ऐसा ही कुछ होने वाला है। रणवीर की बात करें तो सर्कस, जयेश भाई जोरदार और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से धमाका मचाने को तैयार है। दीपिका पठान के अलावा द इंटर्न में भी नजर आने वाली है। वहीं ऋतिक की फाइटर में भी फाइट्स और धमाका करते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों आपको कितना इंतजार है दीपिका की पठान का, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और